सो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम बैक टू कोडर सर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सी प्लस प्लस इन वन शॉट, जो कि 2 घंटे में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली फॉर बिगनर्स है। अगर आपने कभी कोई सी प्लस प्लस या सी या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन, फिर बेसिक्स, फिर इफ एल्स, फिर लूप्स, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेस्टेड लूप्स, एंड इसके बाद अरेज के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स। सो अब आगे इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सी प्लस प्लस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके क्रिएटर है बजाने स्टोस्ट्रू। सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज काफी सिमिलर होती है एक दूसरे से, तो अगर आप सी प्लस प्लस सीख लेते हो तो सी लैंग्वेज सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सी प्लस प्लस का यूज कई पॉपुलर गेम्स को बनाने के लिए किया गया है, जैसे पबजी एंड GUI बेस्ड एप्लीकेशन लाइक अडोबी फोटोशॉप एंड एम मीडिया प्लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड मैक OS, इंटरनेट ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स, एंड ऑल्सो बैंकिंग एप्लीकेशन, क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड कंपाइलर्स ऑफ वेरियस हाई लेवल प्रोग्रामिंग languages। C++ एक object oriented programming language है जिसे हम अपने program को manipulate और use कर सकते हैं। C++ काफी ज्यादा portable language है and हम इसे कई multiple platform में run कर सकते हैं, जैसे कि Windows और Mac OS। तो C++ का use competitive programming में होता है। इसको सबसे ज्यादा preference दी जाती है क्योंकि इससे सबसे तेज output मिलता है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और फिर पहली लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज लिखकर आ रहा है, बट अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो हम यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे, एंड फिर यहाँ पे आ रहा है विंडोज, मैक और लिनक्स। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना और फिर ये अपने आप डाउनलोड चालू हो जाएगा। एंड तब तक हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका होगा, तो उसके सेटअप को हम ओपन कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं डी ड्राइव सिलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पे अपनी कोई सी भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं सब सिलेक्ट कर लूंगा। फिर नेक्स्ट, एंड अब हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। फिर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे फिनिश कर देना। उसके बाद हम सर्च करेंगे MinGW और पहली लिंक पर फिर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद डाउनलोड, और 5 सेकंड बाद फिर ये डाउनलोड चालू हो जाएगा। उसके बाद हम ओपन करेंगे MinGW का सेटअप, फिर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल, उसके बाद कंटिन्यू। एंड अब ये एरर आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट आप लोग के लिए मैं फिर से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रीइंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। एंड फिर थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, एंड उसके बाद कंटिन्यू। एंड यहाँ पे फिर मैं सबको क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दूंगा और फिर इंस्टॉलेशन में जाके अप्लाई, और उसके बाद ये इंस्टॉल होता रहेगा। कम से कम 5 मिनट लगेंगे और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद माई PC में जाना, फिर ड्राइव सी, फिर MinGW, फिर बिन, उसका पाथ कॉपी कर लेना, फिर नीचे सर्च आइकन पर क्लिक करो और वहां पर सर्च करो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, फिर इस पर क्लिक करो, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, फिर पाथ सिलेक्ट करो, एंड उसके बाद एडिट, फिर यहाँ पे आप MinGW के बिन फोल्डर का पाथ पेस्ट कर देना, उसके बाद ओके ओके कैंसिल। तो हमारा VS कोड कुछ ऐसा दिखता है। इसमें अब अपन कुछ एक्सटेंशन डालेंगे, तो यहाँ साइड में आइकन्स बने हुए हैं, उसमें एक्सटेंशन आइकन को सिलेक्ट करके सर्च बार में हम सर्च करेंगे C++ इंटेलिजेंस, एंड फिर उसको इंस्टॉल। ऐसे ही कोड रनर को इंस्टॉल करेंगे, ऐसे ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर बाय दिव्यांशु अग्रवाल को इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन फोल्डर, और अब वो फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा फोल्डर और यहाँ पर उसकी फाइल दिखने लगेगी। तो यहाँ पर मैं एक C++ की नई फाइल बनाऊंगा, 1.cpp। C++ की सारी फाइल .cpp के फॉर्मेट में सेव होती है, और अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखूंगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो अब इसे रन करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर रन वाले बटन पर क्लिक करो, एंड अब यहाँ नीचे टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा VS कोड अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब सेटिंग वाले गियर पर क्लिक करो, फिर सेटिंग्स, और अब यहाँ पे 2 टाइप की सेटिंग्स है, यूजर सेटिंग्स और वर्कस्पेस सेटिंग्स। यूजर सेटिंग्स के लिए हम पूरे कंप्यूटर के लिए सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और वर्कस्पेस सेटिंग्स में हम एक पर्टिकुलर फोल्डर के लिए चेंज करते हैं जो अभी खुला हुआ है हमारे VS कोड में। अब मैं यूजर सेटिंग के सर्च बार पर क्लिक करूंगा और सर्च करूंगा कोड रनर। इधर क्लियर प्रीवियस आउटपुट को टिक कर दो, और रन इन टर्मिनल को भी टिक कर दो, और सेव फाइल बिफोर रन को भी टिक कर दो। तो अब हम आते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स में। तो अभी फिर से गियर पे जाओ, फिर कीबोर्ड शॉर्टकट, अब यहाँ पे टाइप करो रन कोड। अब यहाँ पर देखो मेरा Ctrl+Shift+F10 सेट है, आप भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो इसे जब भी मैं Ctrl+Shift+F10 एक साथ प्रेस करूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा।
ऐसे ही जूम इन और जूम आउट का मेरा की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस नम जीरो और कंट्रोल माइनस, तो जूम वाले को भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो और ऐसे ही एक्सप्लोर कर लो यार बाकी की शॉर्टकट्स भी है। ऐसे ही अपन वीएस कोड की थीम भी बदल सकते हैं और अब फिर से उस गियर पर क्लिक करो, फिर कलर थीम और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई सी भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो। इस वाले वीडियो में हम प्रिंट करना सीखेंगे हेलो और उससे हम C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो ये है हमारा पहला बेसिक सा प्रोग्राम, इससे हम किसी भी स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हेलो को प्रिंट करेंगे। तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम समझाऊंगा। हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड होता है, इसका यूज हम हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए करते हैं। iOS स्ट्रीम हमारी हेडर फाइल का नाम है, इसके अंदर सारे बेसिक कमांड जैसे इनपुट और आउटपुट आते हैं तो इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस STD, STD का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इससे हम किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है int, ये एक डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, बेसिकली जो हमारा मेन कोड होता है वो इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद cout, ये एक कीवर्ड है, इसका यूज हम आउटपुट देने के लिए करते हैं। उसके बाद हेलो, हेलो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं जैसे कोडर्स हब, एंड एल, एंड एल का यूज हम एक लाइन को एंड करके दूसरे लाइन में जाने के लिए करते हैं। रिटर्न जीरो का यूज हम फंक्शन को एंड करने के लिए करते हैं। जब हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाए तो हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में। और अब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और थोड़ा प्रमोट भी कर दिया करो यार, तुम लोगों को पता है एक छोटी सी वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे इंटीजर्स, डेसिमल, स्पेशल कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और बूलियंस। तो ये टेबल देख लो, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है पूरे वीडियो में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो मान लो ये एक कंटेनर है और इसका नाम मैंने ए रख दिया है और इसके अंदर मैंने 2 को स्टोर किया है। तो जब भी आप अब ये कंटेनर को खोलोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो C++ में भी सेम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है int a = 2, तो अब जब भी मैं ए को एक्सेस करूँगा तो फिर मुझे 2 मिलेगा। तो अगर हमें इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है तो हम उसे शुरू करते हैं int से, और नाम जैसे हमने ए रखा है तो नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, जैसे कोडर सब हो गया या अपना नाम रख सकते हो, बस आपका नाम या जो भी नाम आप चूज़ कर रहे हो वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कीवर्ड यहाँ पे सारे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये int a = 2 तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं इतनी रेंज के अंदर। ये हमेशा 4 byte की स्टोरेज लेंगे चाहे कितना भी बड़ा इंटीजर हो। ऐसे ही डेसिमल को स्टोर करने के लिए है फ्लोट, जो स्टोर कर सकते हैं अप टू 7 decimal places। फॉर एग्जांपल फ्लोट b = 12.12345678, और ये हमेशा 4 bytes ही लेते हैं। और अगर 7 decimal points से बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए यूज़ होता है डबल, डबल टाइप स्टोर कर सकता है 15 decimal points तक। फॉर एग्जांपल डबल c = 12.12345678901234 5। तो ये हमेशा 8 bytes की ही स्टोरेज लेगा। अच्छा, मैंने ये फ्लोट और डबल में इतनी बड़ी वैल्यू की एग्जांपल आपको समझाने के लिए ली है, कोई छोटी सी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। डबल का एक और एग्जांपल है d = 2e8, तो e का मतलब है 10 की पावर और e के बाजू में जो 8 लिखा है वो पावर में रहेगा। तो इसको एक्चुअल में अपन बोलेंगे 2e8 को अपन बोलते हैं 2 × 10 की पावर 8। ऐसे ही कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 4 को यूज़ करते हैं, char। फॉर एग्जाम्पल 4e = x, ये 1 byte की स्टोरेज लेते हैं। तो जितने भी सिंगल स्पेशल कैरेक्टर्स है, चाहे अल्फ़ाबेट हो या कोई साइन हो, वो सब 4 में स्टोर कर सकते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। और अगर कोई वर्ड या सेंटेंस है तो उसके लिए यूज़ होती है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग f = hello world, तो हम स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और ये 24 byte लेते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप के वेरिएबल का साइज़ चेक करना है, जैसे मैं स्ट्रिंग f का साइज़ चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा cout साइज ऑफ और ब्रैकेट्स के अंदर मैं f लिख दूंगा। तो इसको रन करोगे तो 24 मिलेगा। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग्स हमारी 24 bytes का स्टोरेज ले रहा है। सारे वेरिएबल का साइज हमेशा फिक्स ही रहेगा, चाहे वो कितने भी छोटे हो या बड़े हो, और नाम हमेशा यूनिक रखना, कोई भी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बुलियन वेरिएबल्स है, इस पे अपन वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने इधर बूल g = 2 लिखा है और h = फॉल्स, तो इसको रन करोगे तो 1 और 0 मिल रहा है। तो जो 1 है वो हमेशा ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा और 0 हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा।
तो अब हम पढ़ेंगे ASCII वैल्यूज़ के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सिंपल भाषा में ये किसी अल्फ़ाबेट या स्पेशल करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और अब ये टेबल देखो, इसमें सारी ASCII वैल्यूज़ दी है, तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। इधर जो लाइट ब्लू में दिए हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और जो डार्क ब्लू में हेक्साडेसिमल दिए हैं वो हमारे ASCII वैल्यूज़ हैं। जैसे स्मॉल ए को ASCII में हम 97 बोलते हैं, स्मॉल बी को 98, कैपिटल ए को 65 और एक्सेट्रा। तो हम ASCII का यूज़ चार वेरिएबल में करते हैं CHAR। जैसे इधर मैंने लिखा है CHAR ASCII ऑफ ए इक्वल्स 95, और अब सी आउट ASCII ऑफ ए करूँगा तो स्मॉल ए मिल जाएगा। सेम चीज़ बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, आप उस टेबल को रेफर कर सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे C++ के कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक्चुअल में वो चीज़ होती है जो हमारा प्रोग्राम इग्नोर कर देता है। जैसे मैंने ये बेसिक सा बना रखा है, इसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, और इसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो। तो जैसे इसको रन करूँगा तो सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाएगा, और वो फर्स्ट वाली लाइन दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट को इग्नोर कर देगा। तो ये होता है कमेंट। अब ये तो एक ही लाइन का हो गया, मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक साइन, और फिर मैं लिख दूंगा दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, और फिर से एस्ट्रिक्स का साइन और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि जैसे एक लाइन लिखी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं जैसे कुछ भी लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम उसे रीड करने लगेगा और फिर एरर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे कमेंट्स। अच्छा मान लो जैसे ये सी आउट हेलो लिखा है और नेक्स्ट लाइन में मैं सी आउट वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो क्या होगा? ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि इसको मैंने रन किया तो देखो सेम लाइन में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आए तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो ग्रेटर देन साइन लगाऊंगा हेलो के बाजू में और एंड एल लिख दूंगा, और फिर इसको रन करूंगा तो देखो हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो इधर जैसे हम लिख रहे हैं सी आउट हेलो और नेक्स्ट लाइन में सी आउट वर्ल्ड, तो ये दो दो सी आउट लिखने से अच्छा हम एक लाइन में ऐसे सी आउट हेलो और वर्ल्ड लिख सकते हैं। और अगर बीच में हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में चाहिए आपको आउटपुट में, तो फिर बीच में एक एंड एल लगा दो। तो अब हम C++ में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ मैंने INT A डिक्लेयर कर दिया है। कन्फ्यूज़ मत होना, आप बिना वैल्यू दिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बस बाद में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब इस INT A की वैल्यू हमारा यूज़र इनपुट करेगा, उसके लिए हम लिखेंगे CIN, और CIN की तरफ ग्रेटर देन का साइन और फिर A। तो ऐसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इसका इनपुट सक्सेसफुल है, उसके लिए मैं लिखूंगा सी आउट और इन्वर्टेड कॉमास में यूज़र एंटर्ड और फिर ये दो साइन और फिर ए लिख दो। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ टू डाल दिया और देखो यूज़र एंटर्ड टू लिख कर आ रहा है। एक लाइन शुरू में और ऐड कर सकते हो सी आउट एंटर अ नंबर फिर एंड एल। तो अब जैसे ही अपन रन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है एंटर अ नंबर, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम इस बार 10 डाल देते हैं और फिर एंटर, तो अब आ रहा है यूज़र एंटर 10। बस एक चीज़ और, सी आउट के बाद जो दो ग्रेटर देन और लेसर देन वाले साइन लगते हैं उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। सी इन साइन का जो फेस है वो सी इन की तरफ होता है और सी आउट में साइन का फेस अपोजिट साइड होता है। तो अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर हमारे कंप्यूटर से अलग अलग मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क करवाते हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन और कंपैरिजन। ऑपरेटर 6 टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और मिसिलिनियस ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर को छोड़कर सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर का भी यूज़ नहीं है। तो अब इन सब टाइप के ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये दो टाइप के होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी में प्लस माइनस इनटू डिवीजन सिंबल्स आते हैं और यूनरी में प्लस प्लस इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट साइन आते हैं। तो पहले बाइनरी को समझते हैं। तो प्लस साइन का यूज़ दो नंबर को ऐड करने के लिए होता है, राइट? सेम प्रोग्रामिंग में भी है। जैसे मान लो हमने INT A=25 और B=10 डिक्लेयर किया और सी आउट A+B किया तो हमें 35 मिला। तो A+B में ए और बी हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस साइन हमारा ऑपरेटर है। सिमिलरली A-B में 15 आउटपुट आ रहा है, A×B में 250 आएगा। और अब ध्यान देना, जब A/B किया तो 2 आ रहा है, बट एक्चुअल में 2.5 आना चाहिए, राइट? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे ए और बी हैं दोनों इंटीजर है तो आउटपुट भी इंटीजर में ही आएगा। और मान लो अगर INT A और B की जगह फ्लोट या डबल होता, जैसे फ्लोट A=25 और फ्लोट B=10, तब हमको आउटपुट मिलेगा 2.5।
बस सिर्फ इतना ध्यान रखना, हमारे ऑपरेंड्स ए और बी वो अगर आईएनटी टाइप है तो आउटपुट भी इंटीजर फॉर्म में आएगा जैसे सिर्फ टू आया, और अगर ऑपरेंड्स ए और बी डेसिमल टाइप है जैसे फ्लोट या डबल तो आउटपुट भी डेसिमल में आएगा जैसे 2.5 आया। ऐसे ही मॉड्यूलो ऑपरेटर है, तो अगर आईएनटी ए इक्वल्स 25 और बी इक्वल्स 10 है और सी आउट ए मॉड्यूलो बी किया तो आउटपुट में हमें रिमाइंडर मिलेगा, जैसे 25 डिवाइडेड बाई 10 का रिमाइंडर 5 है तो इधर 5 आ जाएगा। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स में, तो इसमें दो टाइप है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। तो इंक्रीमेंट में भी दो टाइप है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस साइन वेरिएबल के पहले लगता है और पोस्ट में प्लस प्लस साइन वेरिएबल के बाद लगता है। तो मान लो प्री इंक्रीमेंट में आई एन टी ए इक्वल्स टू और बी इक्वल्स प्लस प्लस ए, फिर हमने लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड एल और सी आउट वैल्यू ऑफ बी एंड एल। और ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट में आई एन टी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स ए प्लस प्लस डिक्लेयर किया और बाकी पूरा सेम लिख दिया। तो जब दोनों को रन किया तो प्री में आउटपुट 3 और 3 आ रहा है और पोस्ट में आउटपुट 3 और 2 आ रहा है। एक्चुअल में प्री इंक्रीमेंट में ए इक्वल्स ए प्लस 1 हो जाएगा जो कि है 2 प्लस 1 इक्वल्स 3 और बी इक्वल्स ए की न्यू वैल्यू, तो ये भी 3 हो जाएगी। और पोस्ट में ए इक्वल्स ए प्लस 1 होगा जो कि है 2 प्लस 1 इक्वल्स 3, बट बी इक्वल्स ए की पुरानी वैल्यू ही रहेगी तो बी 2 रह जाएगा। तो ऐसा ही डिक्रीमेंट है, इसमें दो टाइप है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्री में बी इक्वल्स माइनस माइनस ए रहेगा और पोस्ट में बी इक्वल्स ए माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्री डिक्रीमेंट में आउटपुट 1 और 1 आ रहा है और पोस्ट डिक्रीमेंट में आउटपुट 1 और 2 आ रहा है। तो प्री डिक्रीमेंट में ए इक्वल्स ए माइनस 1 हो जाएगा जो कि है 2 माइनस 1 इक्वल्स 1 और बी इक्वल्स ए की न्यू वैल्यू जो कि है 1। और पोस्ट में भी ए इक्वल्स ए माइनस 1 हो जाएगा जो कि है 2 माइनस 1 इक्वल्स 1, बट बी इक्वल्स ए की पुरानी वैल्यू ही रहेगा तो ये 2 रह जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसमें ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सिंबल आते हैं। तो जैसे ए इक्वल्स 10 और बी इक्वल्स 10 है और मैंने सी आउट में लिखा इज ए इक्वल टू बी, फिर ए इक्वल्स इक्वल्स बी लिखा, और ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं इन सबको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो ए इक्वल्स इक्वल्स बी को भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है और फिर रन किया तो 1 आ रहा है। तो ये वाला 1 एक्चुअल में बूलियन वाला 1 है जिसका मतलब है ट्रू। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बूलियन में 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ए इक्वल्स 10 है और बी इक्वल्स 10 है तो दोनों ए और बी इक्वल है, और अगर सी आउट इज ए नॉट इक्वल टू बी लिखा और ब्रैकेट्स में ए नॉट इक्वल टू बी फिर रन किया तो 0 आया जिसका मतलब है फॉल्स क्योंकि ए और बी इक्वल हैं। तो अब जैसे बी इक्वल्स 5 कर दिया और सी आउट ए इक्वल्स इक्वल्स बी फिर रन किया तो ए और बी इक्वल नहीं है तो 0 आ गया क्योंकि ए इक्वल्स इक्वल्स बी फॉल्स हो गया, और ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू हो गया तो 1 आ रहा है। ऐसे ही सी आउट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि इस कंडीशन में या तो ए बराबर होना चाहिए बी के या फिर ए बड़ा होना चाहिए बी के। ऐसे ही ए लेस देन बी के लिए आउटपुट आया फॉल्स क्योंकि ए बड़ा है बी से। इसके बाद ए ग्रेटर देन बी के लिए ट्रू आया क्योंकि ए बड़ा है बी से, और ए लेस देन बी के लिए फॉल्स आया क्योंकि बी छोटा है ए से। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें एंड और नॉट ये तीन ऑपरेटर आते हैं, इन सबको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जैसे ए इक्वल्स 10 है और बी इक्वल्स 5 है और हमने सी आउट किया ए इक्वल्स इक्वल्स बी एंड एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, राइट? तो आउटपुट 0 आएगा क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती तो 1 आता। बट अगर एंड की जगह और यूज़ करते तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, मतलब ट्रू आएगा। फिर आता है नॉट। तो अगर हमने सी आउट किया ए इक्वल्स इक्वल्स बी तो 0 मतलब फॉल्स आना चाहिए, राइट? बट अगर ब्रैकेट्स के बाहर ये नॉट वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया तो आउटपुट में ट्रू आने लगेगा। एक्चुअल में नॉट लगाने से ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। अच्छा, अगर सी आउट 2 एंड एंड 0 किया तो 0 आ रहा है, और अगर सी आउट 2 एंड एंड 1 किया तो 1 आ रहा है, 2 एंड एंड 5 किया तब भी 1 आ रहा है। तो एंड एंड में 0 के अलावा कुछ और यूज़ करोगे तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा, मतलब ट्रू आएगा। तो मान लो एंड की जगह और यूज़ किया तो सारे आउटपुट हमेशा 1 ही आएंगे, ट्रू ही आएंगे। बस एक केस है 0 और 0, इसमें हमेशा आउटपुट 0 आएगा। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। इसमें इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू और डिवीजन इक्वल्स टू आते हैं। तो जैसे ए इक्वल्स टू था और बी इक्वल्स ए कर दिया, बी को ए की वैल्यू असाइन कर दी,
और अब सी आउट बी किया तो टू आ गया, और अब ए इक्वल्स टू है और बी इक्वल्स वन है। फिर नेक्स्ट लाइन में बी प्लस इक्वल्स ए लिखा और सी आउट बी किया तो थ्री आया। एक्चुअल में बी प्लस इक्वल्स ए का मतलब है बी इक्वल्स बी प्लस ए, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स वन प्लस टू इक्वल्स थ्री। ऐसा ही बी माइनस इक्वल्स ए के लिए आउटपुट माइनस वन आया, क्योंकि बी इक्वल्स बी माइनस ए विच इक्वल्स वन माइनस टू विच इक्वल्स माइनस वन। ऐसा ही बी स्टार इक्वल्स ए के लिए टू आया, क्योंकि बी इक्वल्स बी इंटू ए विच इक्वल्स वन इंटू टू विच इक्वल्स टू। ऐसे ही बी स्लैश इक्वल्स ए के लिए ज़ीरो आया, क्योंकि बी इक्वल्स बी स्लैश ए विच इक्वल्स वन बाई टू विच इक्वल्स 0.5, तो इंटीजर में ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर आते हैं मिसलिनियस ऑपरेटर में। इसमें हम साइज ऑफ ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर में जैसे आई एन टी ए इक्वल्स 10 डिक्लेयर किया और सी आउट साइज ऑफ ए किया तो 4 आया। ये एक्चुअल में 4 बाइट्स है। तो साइज ऑफ से ना हमें हमारे वेरिएबल के डेटा टाइप का स्पेस पता चलता है। तो ये मैं पिछले वेरिएबल वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर, इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ए इक्वल्स टू और बी इक्वल्स 5 डिक्लेयर किया, फिर हम लगाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। उसके लिए हमने लिखा आई एन टी सी इक्वल्स ब्रैकेट्स के अंदर ए ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क फिर ए कोलॉन बी। तो इस लाइन का मतलब है अगर ए बड़ा है बी से तो ए दे दो, और अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो बी दे दो। तो इसका आउटपुट 5 आया, क्योंकि ए बड़ा नहीं है बी से तो हमें बी मिल गया। इसके बाद आता है कास्ट ऑपरेटर। जैसे ए इक्वल्स 25 और बी इक्वल्स 10 डिक्लेयर किया, फिर ए डिवाइडेड बाय बी किया तो आउटपुट में 2 आता है। तो हमारे ए और बी तो दोनों इंटीजर्स है, अगर इनको फ्लोट या डबल में कन्वर्ट कर दे तो 2.5 आ जाएगा। ये हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अगर ए डिवाइडेड बाय बी को फ्लोट ए डिवाइडेड बाय फ्लोट बी लिखा तो 2.5 आ रहा है। तो ये कहलाती है कास्टिंग, एक वेरिएबल टाइप को दूसरे वेरिएबल टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे हमने इधर आई एन टी को फ्लोट में बदल दिया। फिर आता है कॉमा ऑपरेटर। तो मान लो आई एन टी ए इक्वल्स और ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 लिखा है और सी आउट ए किया, तो हमें हमेशा लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी, जैसे इधर 3 मिल रहा है। फिर आते हैं रेफरेंस ऑपरेटर पर। इसमें हमें हमारे वेरिएबल का एड्रेस मिलता है, जैसे ए इक्वल्स 2 किया फिर सी आउट एंड ए, तो हमें यह एड्रेस मिल गया, हमारा ए इस एड्रेस पर लोकेटेड है। फिर आता है पॉइंटर। तो इसको जब अपन पॉइंटर पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी बस इतना समझ लो अगर ऐसा लिखा है स्टार बी इक्वल्स एंड ए, तो इसका मतलब है कि ए की जो भी एड्रेस है उधर पॉइंटर बी आ जाएगा। तो अब हम समझेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। तो जैसे मैथमेटिक्स में बॉर्ड मास लगाते हैं ना, वैसे ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। अब ये टेबल देखो, इसको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है। टॉप पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर है और नीचे जाते जाते प्रायोरिटी कम हो रही है। तो मान लो ए इक्वल्स 5, बी इक्वल्स 10 और सी इक्वल्स 15 है और डी इक्वल्स ए माइनस बी इंटू सी है और सी आउट डी किया, तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए हम ये टेबल देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा बी मल्टीप्लाइड बाई सी, और फिर उनका जो भी प्रोडक्ट है जैसे 150 आया तो फिर a माइनस 150 होगा, तो 5 माइनस 150 विच इज़ माइनस 145, तो आउटपुट माइनस 145 आया। अच्छा, इस टेबल में एक डब्बे में जितने ऑपरेटर हैं उनकी सेम प्रायोरिटी है। तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर हैं जैसे प्लस और माइनस, तो मान लो d इक्वल्स a प्लस बी माइनस सी और e इक्वल्स a माइनस बी प्लस सी है, और सी आउट d सी आउट e करने पर d की वैल्यू 0 और e की वैल्यू 10 आ रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है, बट टेबल में देखो लेफ़्ट टू राइट लिखा है, इसका मतलब है जो साइन लेफ़्ट में वो पहले रन होगा। जैसे डी में सबसे पहले लेफ़्ट में प्लस साइन है तो ए प्लस बी होगा 15, और उसमें माइनस सी हो जाएगा तो 15 माइनस 15 इक्वल 0। ऐसे ही ई में सबसे पहले लेफ़्ट में माइनस साइन है तो ए माइनस बी होगा माइनस 5, और उसमें प्लस सी हो जाएगा तो माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स 10। तो अगर आपको ये टेबल चाहिए तो C++ रेफरेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस गूगल पर सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे ऑपरेटर्स, इसके बाद वाले वीडियो में हम इफ एल्स पढ़ेंगे। तो अब वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो
सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेल्स के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्हीकल ड्राइव करने के लिए लीगल एज क्या होती है? 18 या 18 से ऊपर, राइट? तो इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एल्स इफ एज इज इक्वल टू 18, देन यू कैन ड्राइव, एल्स यू कैन नॉट ड्राइव। तो इफ को हिंदी में अगर बोलते हैं, एल्स इफ को हिंदी में या फिर बोलते हैं, और एल्स को नहीं तो बोलते हैं। तो अगर एज इज ग्रेटर देन 18 या फिर एज इज इक्वल टू 18, देन यू कैन ड्राइव, नहीं तो यू कैन नॉट ड्राइव। तो इफ, एल्स इफ और एल्स की सेम डेफिनेशन प्रोग्रामिंग में भी होती है। तो पहले हम इन तीनों का सिंटैक्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो इफ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इफ और उसके बाजू में कंडीशन ऑफ ए स्टेटमेंट। तो कंडीशन हमारी हो जाएगी इफ एज इज ग्रेटर देन 18, और स्टेटमेंट हो जाएगी यू कैन ड्राइव। सेम एल्स इफ का सिंटैक्स है, एल्स इफ एज इक्वल्स 18 और स्टेटमेंट यू कैन ड्राइव। बट अब ध्यान देना, जो else का सिंटैक्स है उसमें कोई कंडीशन नहीं है। देखो हमने 18 और 18 प्लस के लिए कंडीशन लिख दिया है, राइट? तो अब बचे 18 से कम वाले लोग, तो वो फॉल करेंगे else में। तो else का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, else और उसके बाजू में डायरेक्ट स्टेटमेंट जो कि है यू cannot ड्राइव। तो अब इसको प्रोग्राम में समझते हैं। यहाँ मैंने एज नाम का इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा एंटर योर एज, और हम फिर इनपुट देंगे हमारे एज वेरिएबल की वैल्यू। फिर आती है हमारी तीन कंडीशंस, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, सी आउट यू कैन ड्राइव, एल्स इफ एज इक्वल्स 18, सी आउट यू कैन ड्राइव, एल्स यू कैन नॉट ड्राइव। तो अब इसको आप डायरेक्टली देख के समझ सकते हो, अगर एज इज ग्रेटर देन 18 यू कैन ड्राइव, या फिर एज इक्वल्स 18 देन यू कैन ड्राइव, नहीं तो यू कैन नॉट ड्राइव। और अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैं 21 डाल देता हूँ, और फिर हमारी पहली इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, क्योंकि 21 बड़ा है 18 से, और फिर आउटपुट आ रहा है यू कैन ड्राइव। तो अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करो और 18 डाल के देखो। तो जैसे ही 18 डाला तो एल्स इफ वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, क्योंकि 18 इक्वल्स 18, तो आउटपुट आ रहा है यू कैन ड्राइव। तो अब डाल के देखते हैं 18 से छोटा नंबर, जैसे हमने अब 16 डाला तो तीसरी एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी, क्योंकि 16 इज़ लेस देन 18, और आउटपुट आ रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। अच्छा एक और चीज़, इफ़ और एल्स इफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम एल्स इफ की जगह फिर से इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में किया है। तो अब हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है, जैसे ये प्रोग्राम देखो, इधर पिछली बार जैसे अपन ने एज इनपुट में ले ली, एंड देन अगर एज इज़ ग्रेटर देन 14 तो ये पहले नेस्ट में चला जाएगा, और अगर एज 14 से कम हुई तो ये एल्स के नेस्ट में चला जाएगा। तो अब वापस पहले वाले नेस्ट पर आओ, इधर अगर एज 14 से ज़्यादा है और 18 से भी ज़्यादा है तो अडल्ट प्रिंट होगा, और 18 से कम है बट 14 से ज़्यादा है तो टीनेजर प्रिंट होगा, एंड अब अगर 14 से कम है बट 0 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा चाइल्ड, और अगर 14 से कम है और 0 से भी कम है, मतलब किसी ने नेगेटिव में डाल दी, तो प्रिंट होगा यू आर नॉट बॉर्न येट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो एज जब 19 डाली तो आ गया अडल्ट, और 16 डाली तो आया टीनेजर, और 5 डाली तो आ गया चाइल्ड, और -1 डाली तो आ गया यू आर नॉट बॉर्न येट। तो अब अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम अपने वीकडे का नंबर इनपुट करेंगे, जैसे 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, ऐसे ही 7 फॉर संडे तक। तो हमने एक INT डे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और उसके बाद हमारा कंप्यूटर पूछेगा एंटर द डे नंबर ऑफ द वीक बिटवीन 1 एंड 7। तो ये मैंने सी आउट के अंदर लिख दिया, और फिर यूज़र इनपुट देगा, उसके लिए सी इन और उसके बाजू में डे वेरिएबल लिख दिया। तो अब पूछने बताने का काम पूरा हो गया है, अब कंप्यूटर की बारी। इफ़ डे इक्वल्स इक्वल्स 1 तो सी आउट मंडे। तो इसको अपन ऐसे समझेंगे, अगर डे की वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट होगा, ऐसे ही ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के लिए होगा। और अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अलावा कोई और नंबर टाइप किया, उसके लिए एल्स स्टेटमेंट बना देते हैं, एल्स सी आउट एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 एंड 7, फिर रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एग्जिट। और अब रन करके देखा तो 1 इनपुट दिया तो मंडे आ गया, 4 इनपुट किया तो थर्सडे आया, और अगर 8 इनपुट किया तो एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 एंड 7 आ गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच केस के बारे में। तो सेम प्रोग्राम में इफ एल्स यूज़ करने के अलावा एक और मेथड है, वो है स्विच। तो यहाँ इनपुट लेने तक तो सेम ही रहेगा, उसके बाद हम स्विच लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में डे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और फिर हम लिखेंगे केस और स्पेस देकर 1, फिर कोलोन साइन, फिर नेक्स्ट लाइन में सी आउट मंडे, फिर सेमी कोलन, फिर ब्रेक, फिर सेमी कोलन। तो ब्रेक कमांड का यूज़ भी मैं इस प्रोग्राम को लिखने के बाद समझाऊंगा। तो वैसे ही
केस टू ट्यूसडे, केस थ्री वेंसडे, केस फोर थर्सडे, केस फाइव फ्राइडे, केस सिक्स सैटरडे, केस सेवन संडे, और फिर डिफॉल्ट कोलोन, और नेक्स्ट लाइन में सी आउट एंटर अ वैलिड डे नंबर बिटवीन 1 एंड 7। तो इस प्रोग्राम को देखकर आप स्विच केस का यूज़ समझ गए होंगे, मगर ये ब्रेक और डिफॉल्ट क्या है। तो ब्रेक का यूज़ हम अपने प्रोग्राम को रोकने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस प्रोग्राम में सारी ब्रेक स्टेटमेंट हटा दी और रन किया, तो हमने इनपुट 2 दिया, तो 2 हमारा ट्यूसडे था, और उसके बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब भी प्रिंट हो गया। तो इसको रोकने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब वापस हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी और अब रन करके 2 डाला, तो सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट हुआ और प्रोग्राम वही एग्जिट हो गया। अगर हमने 1 से 7 के अलावा कुछ और डाला, जैसे 8, तो प्रिंट हो गया एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 एंड 7। उसके लिए हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बेसिक सा कैलकुलेटर, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर केपेबल होगा कोई भी 2 नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर लाने के लिए। बट इसमें लेटर ऑन आप अपने हिसाब से इसमें कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे रूट, स्क्वायर रूट, पावर, एक्सेट्रा। तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर 2 + 4 करना है, तो सबसे पहले चाहिए हमें 2 नंबर, 2 एंड 4, और फिर हमें चाहिए एक ऑपरेटर जो कि है प्लस। तो अब ये 3 चीज़ें हम यूज़र से इनपुट में लेंगे और फिर हमारा कंप्यूटर आउटपुट में 6 देगा। तो अब प्रोग्राम में आ जाओ। सबसे पहले हमने INT A और INT B डिक्लेयर कर दिया, जो कि हम अभी यूज़र से इनपुट में लेंगे, एंड उसके बाद हमारे ऑपरेटर के लिए OP नाम का कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, एक्सेट्रा, इन सबको हम कैरेक्टर वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं। तो अब A, B और OP हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। तो हमने लिखा सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा यूज़र A को इनपुट में देगा, उसके लिए हमने CNA लिख दिया। ऐसे ही सी आउट एंटर द सेकेंड नंबर, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा यूज़र B को इनपुट में देगा, उसके लिए CNB लिख दिया, और फिर सी आउट एंटर द ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू डिवीजन और मॉड्यूलो साइन। और अब हम अपना ऑपरेटर इनपुट में देंगे, उसके लिए लिखा CNOP, और अब इसको एक बार रन करके देख लो। फर्स्ट नंबर में 2 डाला और सेकेंड में 4 और ऑपरेटर में प्लस। इसके बाद कुछ आया नहीं, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम में आगे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, बट कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ बढ़िया। तो इस प्रोग्राम को हम 2 बार बनाएंगे, पहले इफ एल्स यूज़ करके और उसके बाद स्विच केस यूज़ करके। तो सबसे पहले इफ एल्स के लिए बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ़ ओपी इक्वल्स इक्वल्स प्लस, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का ध्यान रखना, फिर ब्रैकेट्स के अंदर सी आउट A+B। तो स्टेटमेंट का मतलब है अगर OP इज प्लस तो हमें A+B मिलेगा। ऐसे ही else if OP इक्वल्स माइनस सी आउट A-B। ऐसे ही else if OP इक्वल्स asterisk तो हमें मिलेगा सी आउट A into B। और else if OP इक्वल्स स्लैश तो हमें मिलेगा सी आउट A/B। else if OP इक्वल्स इक्वल्स मॉड्यूलो तो सी आउट A/B। और फिर लास्ट में सी आउट चूज़ अ वैलिड ऑपरेटर बिटवीन प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉड्यूलो लिख दिया। और अब इसको रन किया, तो पहले 2 डाला, फिर 4, फिर प्लस, तो हमें 6 मिल गया। अगर माइनस किया तो -2 मिला, अगर प्रोडक्ट के लिए किया तो 8 आया, अगर रिमाइंडर के लिए किया तो 2 आया। अगर प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉड्यूलो के अलावा कुछ और ऑपरेटर डाला तो चूज़ अ वैलिड ऑपरेटर बिटवीन प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉड्यूलो आएगा। बट अगर 2 और 4 डालने के बाद हमने ऑपरेटर में डिवीजन डाला तो 0 आ रहा है, क्योंकि ए और बी INT वेरिएबल्स है, तो आउटपुट भी इंटीजर में आएगा। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला बग है। ऐसे ही अगर इंटीजर की जगह डेसिमल इनपुट में दिया, जैसे 2 की जगह 2.3, तो प्रोग्राम पहले ही एरर दे देगा। तो ये 2 इश्यूज सॉल्व करने के लिए हमने INT B और INT A की जगह float B और float A कर दिया, बट अब ना रिमाइंडर वाला ऑपरेटर नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ इंटीजर पर काम करता है। तो उसके लिए हमने कास्टिंग का यूज़ किया, तो जो A मॉड्यूलो B है उसकी जगह INT A मॉड्यूलो INT B कर दिया। तो सिर्फ मॉड्यूलो के लिए हमने float को इंटीजर में कास्ट कर दिया। एंड अब रन करो, तो पहले 2, फिर 4, फिर डिवीजन, तो अब आ रहा है 0.5, और अगर मॉड्यूलो डाला तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है, बट अभी ना ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए
ए प्लस बी को हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमाज में सम ऑफ और उसके बाद लेसर देन साइन, फिर ए, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में प्लस, फिर बी, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में एस और फिर ए प्लस बी। एंड अप रन करके 2, 4 और प्लस डाला तो सम ऑफ 2 + 4 = 6 आ गया, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ए माइनस बी को डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज ए माइनस बी कर दिया। ए एस्ट्रिक्स बी को प्रोडक्ट ऑफ ए एस्ट्रिक्स बी इज ए एस्ट्रिक्स बी कर दिया। ए स्लैश बी को डिवीजन ऑफ ए स्लैश बी इज ए स्लैश बी कर दिया। ए मॉड्यूलो बी को रिमाइंडर ऑफ ए मॉड्यूलो बी इज आई एन टी ए मॉड्यूलो आई एन टी बी कर दिया। अच्छा, ये शुरू में अपन ने बहुत टाइम पास किया, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द ऑपरेटर, तो ये तीन अलग लाइन में इनपुट लेने से अच्छा क्यों ना एक लाइन में इनपुट ले लें। तो ये तीनों सी आउट को हटा दिया, फिर सी आउट व्हाट शुड आई कैलकुलेट एंड एन लिख दिया और ये सी एन ओ पी को सी एन बी के ऊपर कर दिया। एंड अब रन किया तो फिर इसने पूछा व्हाट शुड आई कैलकुलेट, तो एक लाइन में 2 + 4 लिखा और ये परफेक्टली रन करने लगेगा। अब सेम प्रोग्राम स्विच केस यूज़ करके बनाएंगे, तो इनपुट वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। उसके बाद हमने लिखा स्विच और ब्रैकेट में ओ पी, फिर करली ब्रैकेट्स में आ जाओ, तो हमारे 5 केस बनेंगे प्लस माइनस इंटू डिवीजन और मॉड्यूलो। सबसे पहले केस प्लस और कोलॉन और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इफ एल्स, जैसे ही सी आउट सम ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी सेमी कोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ऐसे ही केस माइनस सी आउट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज ए माइनस बी ब्रेक, केस एस्ट्रिक्स इसमें सी आउट प्रोडक्ट ऑफ ए एस्ट्रिक्स बी इज ए एस्ट्रिक्स बी। ऐसे ही केस स्लैश इसमें सी आउट डिवीजन ऑफ ए स्लैश बी इज ए स्लैश बी। केस मॉड्यूलो में सी आउट रिमाइंडर ए मॉड्यूलो बी इज आई एन टी ए मॉड्यूलो आई एन टी बी कर दिया। और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट, उसके अंदर सी आउट चूज अ वैलिड ऑपरेटर बिटवीन प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉड्यूलो। तो अब इसको रन करोगे तो ये भी परफेक्टली रन करने लगेगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स का मतलब है किसी भी चीज़ का बार बार होना, राइट? लूप्स फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे प्रिंट करना है कोडर सब 10 बार, तो ये करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका दुनिया का सबसे आसान तरीका है, सी आउट कोडर सब एंडल 10 बार लिखो और काम हो गया। बट ये तो चलो 10 बार है, मान लो 100 बार प्रिंट करना होता तो क्या 100 बार सी आउट स्टेटमेंट लिखोगे? नहीं ना, आप सोचोगे नहीं विराज भाई इतने फ्री तो नहीं है अपन। तो ये करने का दूसरा तरीका होता है, वो है लूप्स। देखो लूप्स का यूज़ ना ऐसे ही प्रोग्राम्स को बनाने के लिए होता है। लूप्स 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो तीनों का काम सेम है, बस हल्का सा भारी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस समझने के लिए अब अपन इनका सिंटैक्स समझते हैं। तो फॉर लूप में 4 चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और स्टेटमेंट। तो फॉर के बाजू में ब्रैकेट्स में इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन और अपडेशन लिखा रहता है और फिर बाहर करली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट। तो इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करना, जैसे आई एन टी आई इक्वल 0, और कंडीशन कुछ भी हो सकती है नीट के हिसाब से, जैसे आई लेस देन एन, तो ऊपर पहले एन डिक्लेयर कर देना, फॉर एग्जाम्पल आई एन टी एन इक्वल्स 10। और अपडेशन होता है जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की, जैसे आई, उसकी वैल्यू बढ़ाते जाना या कम करते जाना, तो इधर आई प्लस प्लस लिख दिया। फिर आती स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वो है जो हम चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट कोडर सब एंडल। तो इस प्रोग्राम से ये होगा कि 10 बार कोडर सब प्रिंट हो जाएगा। वो कैसे? तो होता ये है कि सबसे पहले आई इक्वल 0 है, राइट? तो पहले ये चेक करेगा कि क्या आई लेस देन एन है। तो पहले वाले केस में आई छोटा है एन से, क्योंकि 0 < 10। तो ये लूप एक बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें मिलेगा कोडर सब पहली बार। इसके बाद लास्ट में आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, राइट? फिर से चेक करेगा, तो फिर से अपना लूप एक बार रन होगा और चेक करेगा आई लेस देन एन है, तो हाँ 1 < 10। तो यहाँ पे हमें फिर से कोडर सब मिल जाएगा दूसरी बार। तो जब तक आई छोटा एन से, तब तक हमें कोडर सब मिलता रहेगा 0, 1, 2, 3, 4 up to 9 तक। बट आई की वैल्यू जैसे ही 10 हुई तो लूप रन नहीं होगा, क्योंकि आई लेस देन एन वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 = 10 है ना। तो हमें 0 से लेके 9 तक आई की वैल्यूज़ जो बढ़ रही हैं उसके लिए 10 बार कोडर सब हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और मान लो अगर आई इक्वल्स 0 की जगह आई इक्वल्स 1 से इनिशलाइज किया, तो अब सिर्फ 9 बार कोडर सब मिलेगा।
अगर आई लेस देन इक्वल्स एन कर दिया तो फिर से 10 बार रन होगा, क्योंकि आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन, तो 10 इक्वल्स 10 वाली कंडीशन, मतलब जब आई इक्वल्स 10 होगा तब तब भी एक बार लूप रन हो जाएगा, और अगर एन इक्वल्स 100 कर दिया तो ये 100 बार कोडर सब प्रिंट करेगा। फिर देखते हैं वाइल लूप का सिंटैक्स। तो इसका यूज़ सिमिलर है फॉर लूप से, इसमें डिक्लेरेशन वाइल लूप के पहले करते हैं, तो int आई इक्वल 0 कर दिया, और कंडीशन जैसे आई लेस देन एन वाइल के बाजू में, तो ये एन को भी पहले डिक्लेयर करना नहीं भूलना। int एन इक्वल्स 10 लूप के पहले डिक्लेयर कर दिया, और कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट और अपडेशन जैसे सी आउट कोडर सब एंडल और अपडेशन हो गया आई प्लस प्लस। तो अभी तुम सबने ऑब्जर्व किया होगा कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन और स्टेटमेंट ये सब हमने फॉर लूप के सिमिलर ही रखी है ना, पूरी सेम टू सेम है, बस थोड़ा फॉन्ट ऑन्ट बदल गया, सब आगे पीछे हो गया, बाकी सब कहानी सेम है। तो ये भी 10 बार कोडर सब प्रिंट करेगा, तो इसमें भी आई इक्वल 0 पर कोडर सब मिलेगा, ऐसे ही 1 2 3 4 अप टू 9 तक मिलता जाएगा। जैसे ही आई इक्वल 10 हुआ, आई लेस देन एन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप रुक जाएगा। तो हमें आई इक्वल 0 से 9 तक के लिए 10 बार कोडर सम मिल गया, और अगर एन इक्वल्स 100 कर दिया तो हमें आई इक्वल 0 से आई इक्वल 99 तक भी 100 बार कोडर सम मिल जाएगा। तो ये था हमारा वाइल लूप। फिर समझते हैं डू वाइल लूप का सिंटेक्स। तो इसमें पहले डिक्लेरेशन हो जाता है int आई इक्वल 0, और फिर जो ऊपर वाइल लिखा था अपन ने पहले, उसकी जगह यहाँ डू आ जाता है, और डू के बाजू में कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट सी आउट कोडर सब एंडल और अपडेशन आई प्लस प्लस, और कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर अपन ने लिख दिया वाइल आई लेस देन एन, ठीक है ना, और ये एन को ऊपर डिक्लेयर कर दिया int एन इक्वल्स 10। तो इसका काम भी बिल्कुल सिमिलर है, आई इक्वल 0 से 9 तक के लिए 10 बार कोडर सब मिल जाएगा। बट डू वाइल के आउटपुट में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब कुछ केसेस में, तो बाकी लूप्स में और इसमें ये फ़र्क है कि वाइल और फॉर लूप में पहले कंडीशन चेक होती है फिर स्टेटमेंट रन होती है। अब देख सकते हो आई लेस देन एन पहले ऊपर ही लिखा होता है, और डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट रन होती है फिर कंडीशन चेक होती है, तो इसमें लास्ट में बिल्कुल आई लेस देन एन लिखा हुआ है। तो जैसे इस वाले प्रोग्राम में हमको 10 बार कोडर सम मिलता है, राइट, तो ये वाइल वाला प्रोग्राम है। बट अगर मैंने आई लेस देन एन कंडीशन को पहले ही फॉल्स कर दिया, जैसे एन इक्वल्स -1 कर दिया, तो अब आई इक्वल 0 बड़ा है एन से, है ना, 0 बड़ा है -1 से, तो आई लेस देन एन कंडीशन फॉल्स हो गई, और हमें आउटपुट में एक बार भी कोडर सम नहीं मिलेगा। सही बात है, मिलना भी नहीं चाहिए। बट अगर वाइल की जगह डू वाइल लूप हुआ, सेम आई इक्वल 0 और एन इक्वल्स -1, तो इसके लिए रन किया तो देखो एक बार कोडर सब आ गया। बस यही फ़र्क है कि वाइल और डू वाइल में, कि वाइल पहले कंडीशन चेक करता है फिर स्टेटमेंट देता है, और डू वाइल पहले स्टेटमेंट देता है फिर कंडीशन चेक करता है। अब इनफाइनाइट लूप्स को समझते हैं। मान लो हमने प्रोग्राम में कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे कंडीशन कभी फॉल्स ना हो, जैसे वाइल लूप के लिए आई इक्वल 0 और एन इक्वल्स -1 सेट किया, और आई ग्रेटर देन एन कंडीशन लगा दी और रन किया, तो अब इनफाइनाइट टाइम्स रन करेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में आई कभी छोटा होगा ही नहीं एन से। हमने डिक्लेयर ही आई को 0 किया है, और वो भी अपडेट हो रहा है, जैसे आई को 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये -1 से कभी छोटा नहीं होने वाला, और कोडर समय में इनफाइनाइट टाइम्स मिलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए टर्मिनल वाला डस्टबिन, इस पर क्लिक कर दो। तो मैंने एन इक्वल्स 10 डिक्लेयर कर दिया, और फॉर लूप में आई इक्वल्स 1, आई लेस देन इक्वल्स एन और आई प्लस प्लस पैरामीटर्स दे दिए, और अंदर मैंने सी आउट आई एंड एल लिख दिया। तो मैंने पहली बार आई इक्वल्स 1 के लिए रन किया तो हमें 1 आउटपुट में मिलेगा, ऐसे ही 2 के लिए 2 आउटपुट, 3 के लिए 3 आउटपुट, तो ऐसे ही 1 से लेकर 10 तक हमें आउटपुट मिलता जाएगा, फिर लूप रुक जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जब आई इक्वल्स 5 हो तब ये लूप रुक जाए, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट। तो मैंने सी आउट वाली स्टेटमेंट के पहले इफ आई इक्वल्स इक्वल्स 5 ब्रेक लगा दिया, तो अब रन किया तो देखो सिर्फ 4 तक प्रिंट हुआ। तो इसमें यह हुआ कि इसने इंस्ट्रक्शन ये दे दिया कि अगर आई इक्वल्स इक्वल्स 5 है तो प्रोग्राम को रोक दो,
अच्छा, अगर इस स्टेटमेंट को, इस इफ वाली स्टेटमेंट को मैंने सी आउट के बाद लगा दिया, तो देखो अब 1 2 3 4 5 यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। पहले से 1 2 3 4 तक प्रिंट हो रहा था, अब यहाँ 5 तक भी प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही अगर ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज़ किया और रन किया, तो देखो 5 स्किप हो गया और बाकी सब प्रिंट हो गया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को किसी भी आउटकम को स्किप करने के लिए यूज़ करते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट को प्रोग्राम को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। हे देयर, इट्स फिराज, और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे C++ के लेवल 1 क्वेश्चंस। तो ये वीडियो स्ट्रिक्टली फॉर बिगनर्स है, और क्वेश्चन का लेवल भी बिल्कुल इजी होने वाला है। अगर आप C++ में बिल्कुल नए हो तो दिस वीडियो इज़ द राइट वन फॉर यू। अब हम 1 बाय 1 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। इसके लिए सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD INT मेन, और इसके अंदर हम लिखेंगे सी आउट, फिर मैं अपना नाम लिखूंगा विराज। तो अब इसको रन किया तो विराज प्रिंट हो गया। आप लोग भी अपना नाम या फिर वर्ड, अल्फ़ाबेट, सेंटेंस, नंबर, सिंबल, गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 10। तो यार, जैसे पहले सी आउट स्टेटमेंट में अपन अपना नाम लिख रहे थे, उसकी जगह 25 प्लस 10 लिख दिया और रन किया तो 35 मिल गया। तो 25 प्लस 10 इसका सम हमें 35 मिल गया। ऐसे ही आप बाकी ऑपरेशन भी कर सकते हो दूसरे नंबर्स पे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो बस हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन 3, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स गिवन बाय यूज़र एज इनपुट। तो यार, इस वाले प्रोग्राम में हम यूज़र से इनपुट में लेंगे 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, और इनको प्रोग्राम में 2 इंट वेरिएबल से स्टोर करेंगे, इंट ए इक्वल्स 2 और इंट बी इक्वल्स 3, और फिर ए प्लस बी दैट इज 5 प्रिंट करेंगे। तो मैंने इंट ए और इंट बी डिक्लेयर कर दिया, फिर सी इन ए और सी इन बी से हम यूज़र से इनपुट में लेंगे, और अब इनपुट वाला काम हो गया। फिर हम लिखेंगे सी आउट ए प्लस बी। तो अब जैसे रन करके 2 और गैप देके 3 डाला तो 5 प्रिंट हो गया। सेम आप बाकी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए भी बना सकते हो। अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में जो चीज़ें हैं वो उससे आप फैमिलियर नहीं हो, तो आई वुड से निकल इधर से और पहले मेरी प्लेलिस्ट देख, आए बड़े विराज भी है बता दो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन 4, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू स्वॉप 2 नंबर्स। तो स्वॉप का मतलब है कोई भी 2 वैल्यूज को इंटरचेंज करना। मतलब मान लो ए इक्वल्स 3 है और बी इक्वल्स 2 है, तो स्वॉप करने पर ए इक्वल्स 2 हो गया और बी इक्वल्स 3 हो गया, मतलब वैल्यूज़ आपस में बदल गई। स्वॉप करने के लिए सबसे पहले इंट ए इक्वल्स 3 और इंट बी इक्वल्स 2 डिक्लेयर कर दिया। अब हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे जो स्टोर करेगा ए की पुरानी वैल्यू दैट इज 3। फिर मैंने ए इक्वल्स बी लिख दिया, मतलब अब ए इक्वल्स 2 हो गया, बट टेम्प अभी भी 3 है, वो कभी चेंज नहीं होगा। फिर मैंने बी इक्वल्स टेम्प लिख दिया, मतलब अब बी इक्वल्स 3 हो गया, क्योंकि टेम्प की वैल्यू तो 3 थी ना, तो अब बी इक्वल्स 3 हो गया। फिर सी आउट वैल्यू ऑफ ए, फिर ए एंड एल, ऐसे ही सी आउट बी, फिर बी एंड एल, और अब रन किया और देखो वैल्यू ऑफ ए 2 आ रही है और वैल्यू ऑफ बी 3 आ रही है, तो ए और बी की वैल्यूज आपस में स्वॉप हो गई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस टू केल्विन। तो कोई भी टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं, मतलब केल्विन इक्वल सेल्सियस प्लस 273, राइट? तो यही फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले इंट सेल्सियस नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर सी इन सेल्सियस यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट में ले लेंगे, फिर इंट केल्विन इक्वल्स सेल्सियस प्लस 273, तो इससे केल्विन वैल्यू भी मिल जाएगी, फिर सी आउट केल्विन, और अब रन करके जैसे ही 10 डाला तो केल्विन टेम्परेचर 283 मिल गया। ऐसे ही सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बना सकते हो या फिर कोई भी कन्वर्शन कर सकते हो। इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे टॉप 5 C++ क्वेश्चंस फॉर बिगिनर्स। ओके, तो ये वीडियो लेवल 2 क्वेश्चंस के लिए, मतलब डिफिकल्टी लेवल इजी से थोड़ा सा, मतलब इतना सा ज्यादा है। अच्छा, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है अगर वो डिफिकल्ट लगे तो पहले लेवल 1 क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लो, प्लस मेरी C++ की प्लेलिस्ट भी देख लेना, तो उसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाए, मस्त एकदम डिटेल में विद मजेदार एनिमेशन। फिर भी अगर तुम्हारा मन ना भरे तो मैं एक एक क्वेश्चन वैसे भी अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना।
और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे बाप का ही है। या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स में भी मैसेज कर सकते हो। वो क्या है ना, मैं दिन भर वेला बैठा रहता हूँ तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा सारे डाउट्स का। और हाँ, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो बस फिर अब अपन तबाही मचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ C++ प्रोग्राम टू स्वॉप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पहले स्वॉप का मतलब समझते हैं। स्वॉप का मतलब है दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में एक्सचेंज करना। जैसे मान लो a इक्वल्स 3 है और b इक्वल्स 2 है, तो स्वॉप करने के बाद a इक्वल्स 2 हो जाएगा और b इक्वल्स 3 हो जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करके, जैसे यहाँ int a इक्वल्स 3 और int b इक्वल्स 2 डिक्लेयर कर दिया। फिर एक थर्ड वेरिएबल बनाया int temp नाम का, इसमें हम स्टोर करेंगे a की सबसे शुरुआती वैल्यू, दैट इज int temp इक्वल्स a, मतलब temp की वैल्यू 3 हो गई। फिर मैं a इक्वल्स b लिखूंगा, जिससे a इक्वल्स 2 हो गया, बट temp अभी भी 3 पर फिक्स है। फिर b इक्वल्स temp कर दिया तो b इक्वल्स 3 हो गया। और फिर cout वैल्यू ऑफ a इज a एंड l, cout वैल्यू ऑफ b इज b एंड l। तो रन करने पर a की न्यू वैल्यू 2 बन गई और b की न्यू वैल्यू 3 बन गई। तो ये हमने स्वॉप कर लिया थर्ड वेरिएबल temp यूज करके। बट हम चाहते हैं सेम प्रोग्राम बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए, तो इसमें सिंपल सी मैथमेटिक्स है। मान लो a इक्वल्स 3 है और b इक्वल्स 2 है, तो a इंटू b 6 होना चाहिए, राइट? तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा a इक्वल्स a इंटू b विच इक्वल्स 6, तो a की वैल्यू अब 6 हो गई। फिर मैंने लिखा b इक्वल्स a डिवाइडेड बाय b, तो इससे b इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स 3। ऐसे ही फिर से मैंने a इक्वल्स a डिवाइडेड बाय b लिखा, तो अब a इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू पहले चेंज हो गई थी 3 पे, तो a इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाय 3 हो गया और फिर a इक्वल्स 2 बन गया। तो रन करने पर a की न्यू वैल्यू 2 बन गई और b की न्यू वैल्यू 3 बन गई। तो ये हमने स्वॉप कर लिया बिना थर्ड वेरिएबल temp यूज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, C++ प्रोग्राम टू चेक whether a character is vowel or consonant। यार, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स होते हैं a e i o u, राइट? और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम प्रोग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे कि पहले एक temp नाम का कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे, जिससे हम यूजर से कोई भी अल्फाबेट इनपुट में ले लेंगे और फिर कंडीशन लगा देंगे, जैसे इफ temp इक्वल्स इक्वल्स a और temp इक्वल्स इक्वल्स e और temp इक्वल्स इक्वल्स i और temp इक्वल्स इक्वल्स o और temp इक्वल्स इक्वल्स u। सेम हम कैपिटल a e i o u के लिए भी कर लेंगे। देन सी आउट वोवल, मतलब अगर temp की वैल्यू स्मॉल और कैपिटल a e i o u में से कुछ भी है तो प्रिंट वोवल। और फिर else if not is alpha ब्रैकेट्स में temp, फिर सी आउट नॉट एन अल्फाबेट। तो इसको अपन नॉट इज अल्फा कहते हैं। इसका यूज temp की वैल्यू जो यूजर ने डाली है वो अल्फाबेट है या नहीं वो चेक करने के लिए है। अगर अल्फाबेट नहीं है तब प्रिंट होगा नॉट एन अल्फाबेट। और else में लिख देंगे कॉन्सोनेंट। इस स्टेटमेंट से ये होगा कि अगर temp अल्फाबेट है बट वोवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट ही प्रिंट होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर temp की वैल्यू a e i o u में से कुछ भी है तो प्रिंट वोवल, या फिर अगर temp अल्फाबेट नहीं है तो प्रिंट नॉट एन अल्फाबेट, नहीं तो प्रिंट कॉन्सोनेंट। और अब रन करके स्मॉल a डाला तो वोवल प्रिंट हुआ, कैपिटल a डाला तो वोवल प्रिंट हुआ, x डाला तो कॉन्सोनेंट आ गया और 1 डाला तो नॉट एन अल्फाबेट आ गया। तो यार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ 3 यूजिंग इफ एल्स। यार, तो इसमें यूजर से 3 नंबर इनपुट में ले लिए a b c, और हमें बताना है a b c में से कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए पहले कंपेयर करेंगे, इफ a ग्रेटर देन b एंड एंड a ग्रेटर देन c तो c आउट a, मतलब अगर a बड़ा है b से और a बड़ा है c से तो मतलब a सबसे बड़ा है, तो आउटपुट में a प्रिंट कर दो। ऐसे ही इफ c ग्रेटर देन b एंड एंड c ग्रेटर देन a तो c आउट c, अगर c बड़ा है b से और c बड़ा है a से तो आउटपुट में c प्रिंट कर दो। ऐसे ही इफ b ग्रेटर देन a एंड एंड b ग्रेटर देन c तो c आउट b, तो अगर b बड़ा है a से और b बड़ा है c से तो प्रिंट कर दो b। अब इसको कोड में समझते हैं। int a b c डिक्लेयर कर दिया, फिर c in a b c से इनपुट में ले लिए 3 नंबर और फिर वो 3 if स्टेटमेंट्स लगा दी, if a ग्रेटर देन b एंड एंड a ग्रेटर देन c c आउट a, if c ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन a c आउट c, if b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c तो सी आउट बी।
और अब इसको रन किया, फिर 1, 2, 3 डाला तो 3 प्रिंट हो गया, क्योंकि 3 बड़ा है 1 से और 3 बड़ा है 2 से, तो अल्टीमेटली 3 लार्जेस्ट है। अच्छा, सेम प्रोग्राम अपन बना सकते हैं, एक और तरीका इसका हम यूज़ कर सकते हैं, मैक्स फंक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो a इक्वल्स 2 है और b इक्वल्स 3 है, और temp नाम का int वेरिएबल मान लिया। तो अगर मैंने temp इक्वल्स मैक्स ऑफ a कॉमा b लिखा, तो temp को a और b में से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 3। ऐसे ही अगर c इक्वल्स 4 भी डिक्लेयर कर दिया, और फिर temp इक्वल्स मैक्स ऑफ c कॉमा मैक्स ऑफ a कॉमा b, इससे ये होगा कि पहले a कॉमा b में जो भी मैक्स होगा वो मिलेगा, जैसे 3, फिर मैक्स c कॉमा 3 चलेगा तो फाइनली 4 मिलेगा, क्योंकि c अपना 4 था और 4 मैक्सिमम है 4,3 में। तो इसको अपन समझते हैं अपने ऊपर वाले प्रोग्राम में, int a b c डिक्लेयर कर दिया, फिर c इन a b c से इनपुट में ले लिया, फिर c आउट मैक्स ऑफ c कॉमा मैक्स ऑफ a कॉमा b लिख दिया। तो अब जैसे ही मैंने 5, 2, 7 डाला, तो a इक्वल्स 5 हुआ, b इक्वल्स 2 हुआ और c इक्वल्स 7 हो गया। फिर प्रोग्राम चेक करेगा कि a कॉमा b में कौन मैक्स है, तो 5,2 में 5 मैक्स है। फिर चेक करेगा c कॉमा 5 में कौन मैक्स है, तो c 7 था और 7,5 में 7 बड़ा है, तो आउटपुट में अपन को 7 मिल गया। सेम आप मिन फंक्शन के लिए भी बना सकते हो, मिनिमम नंबर फाइंड करना हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, C++ प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। यार, तो लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2004, 2008, 2012 एक्सेट्रा। बट सेंचुरी ईयर के लिए ना एक कंडीशन है, जैसे 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया एक्सेट्रा, ऐसे ईयर को सेंचुरी ईयर कहते हैं, राइट? तो ये सारे ईयर 4 से भी डिविजिबल हैं। बट अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है, जैसे ईयर 2400 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर है। बट ऑन दी अदर हैंड, ईयर 2100 400 से डिविजिबल नहीं है, 2100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। और अपन को पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ईयर सेंचुरी ईयर है भी कि नहीं। अगर है तभी 400 से डिविजिबिलिटी अपन चेक करेंगे। और अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 2001, 2002, 2003, 2005 एक्सेट्रा, तो ये सब लीप ईयर नहीं है। तो अब अपन इसको एक बार कोड में भी समझते हैं। तो पहले int ईयर वेरिएबल डिक्लेयर किया और c in ईयर करके हमने इनपुट में ले लिया। अब आती कंडीशंस। इफ ईयर परसेंट 4 इक्वल्स इक्वल 0, मतलब अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है, तो अब अपन इसमें और कंडीशन लगाएंगे सेंचुरी और नॉन सेंचुरी ईयर के लिए, और फिर एकदम बाहर आके एल्स नॉट अ लीप ईयर लिख दिया। मतलब अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सी आउट नॉट अ लीप ईयर, है ना? फिर ईयर परसेंट 4 में कंडीशंस लगा दो। इफ ईयर परसेंट 100 इक्वल्स इक्वल 0, मतलब अगर ईयर 100 से डिविजिबल है, तो वो सेंचुरी ईयर है, राइट? और इसके अंदर अपन कंडीशन लगाएंगे, इफ ईयर परसेंट 400 इक्वल्स इक्वल 0, तो सी आउट लीप ईयर। मतलब अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर है। एल्स सी आउट नॉट अ लीप ईयर, मतलब अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है, कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो सी आउट नॉट अ लीप ईयर। और यहाँ पर भी सी आउट लीप ईयर लगा दिया, मतलब अगर वो 4 से डिविजिबल है और 100 से नहीं है, मतलब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए वो लीप ईयर है। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। मान लो ईयर है 2000, राइट? सबसे पहले चेक करेगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो पहले इफ स्टेटमेंट में चले जाओ, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट वाला एल्स स्टेटमेंट रन होगा और नॉट अ लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो ईयर 2000 डिविजिबल है 4 से, तो पहले इफ स्टेटमेंट में चला गया। अब उसमें चेक करेगा कि सेंचुरी ईयर है कि नहीं। अगर 100 से डिविजिबल है, तो सेंचुरी ईयर है, और अगर नहीं है, तो डायरेक्टली लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो ईयर 2000 अपना 100 से डिविजिबल है, मतलब ये सेंचुरी ईयर है, राइट? फिर चेक करेगा कि क्या ये सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है। अगर है तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, और अगर 400 से डिविजिबल नहीं है ये सेंचुरी ईयर, तो वो नॉट अ लीप ईयर है। तो अपना 2000 400 से भी डिविजिबल है, जिसका मतलब ये एक लीप ईयर है। ऐसे ही अगर 2100 डाला, तो ये 4 से डिविजिबल है, और फिर 100 से भी डिविजिबल है, तो मतलब ये सेंचुरी ईयर है। बट 2100 400 से डिविजिबल नहीं है,
मतलब जिसका मतलब ये है कि 2100 लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने 2001 डाला तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, जिसका मतलब है ये डायरेक्टली नॉट अ लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने 2008 डाला तो ये 4 से डिविजिबल है बट ये 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये सेंचुरी ईयर वाला केस नहीं है, तो ये डायरेक्टली लीप ईयर प्रिंट कर देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लीप ईयर वाला खेल कैसा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो यार फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो वो होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 विच इक्वल्स 120। तो ऐसे ही अगर अपन n को इनपुट में देंगे तो फिर आउटपुट में अपन को 1 × 2 × 3 × up to n-1 × n तक प्रिंट होता रहेगा। वो कैसे? तो यार इसके लिए अपन लूप्स का यूज करेंगे, और अगर आपको लूप्स अच्छे से समझना है तो मेरी C++ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो अपन एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें मैं int i equals to i less than equal to n और i++ पैरामीटर्स दे दूंगा, और फिर अंदर फैक्टोरियल equals फैक्टोरियल into i कर दूंगा, और बाहर पहले int factorial equals 1 भी डिक्लेयर कर देना। अब इसको समझते हैं। तो अगर मान लो n मैंने 5 इनपुट में दिया है ना, इसमें ये होगा कि सबसे पहले जब लूप चलेगा तो i equals 2 है और फैक्टोरियल 1 है, तो पहले चेक किया कि 2 less than equals to 5 है कि नहीं, तो हाँ है, फिर फैक्टोरियल equals 1 × 2 हो जाएगा, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, और फिर i++ से i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब फिर से लूप चलेगा, i equals 3 है और अब फैक्टोरियल equals 2 है, तो अब चेक करेगा कि 3 less than equal to 5 है, तो हाँ अभी भी है, तो फिर फैक्टोरियल equals 2 × 3 हो जाएगा, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे ही फिर i++ होके i की वैल्यू 4 हो गई, और फिर से लूप चलेगा, 4 अभी भी 5 से छोटा है, तो फिर फैक्टोरियल equals 6 × 4 विच equals 24। फिर से i++ होगा तो i की वैल्यू 5 हो गई और फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 24 है, तो अब चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ 5 के बराबर है, तो अभी भी ये लूप चलेगा, तो फिर फैक्टोरियल इक्वल्स 24 × 5 हो जाएगा विच इक्वल्स 120। तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गई। इसके बाद जैसे ही i++ हुआ, i की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर ये चेक करेगा कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नहीं यार 6 तो बड़ा है 5 से और बराबर भी नहीं है 6 5 के, तो ये वाली i लेस देन इक्वल टू n वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला लूप वहीं रुक जाएगा। तो इस प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं। मैंने int n नाम का एक वेरिएबल बना लिया और फिर c in n से इनपुट में ले लिया और int factorial equals 1 सेट कर दिया। तो अपन ने इनपुट वाला काम कर लिया, अब अपन लगाएंगे अपना फॉर लूप। तो फिर फॉर लूप में int i equals to i less than equal to n i++ और अंदर फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इंटू आई लिख दिया, और फिर फॉर लूप के बाहर सी आउट फैक्टोरियल भी लिख देना। तो अब रन किया और 5 डाला तो 120 आ गया, ऐसे ही 6 डाला तो 720 आ गया। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि मैंने आई इक्वल्स 2 क्यों रखा। तो देखो 0 तो किसी भी हालत में नहीं रख सकते, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, जिसके कारण फैक्टोरियल 0 रह जाएगा। और i equals 1 से स्टार्ट करना आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलेगा और फिर नेक्स्ट टाइम वो ऑब्वियसली वो 2 ही हो जाएगा, मतलब i++ होगा तो वो 2 ही हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई ऐसा मतलब नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नेस्टेड लूप्स। तो यार सपोज मुझे कलाम लगाना है जो पूरे दिन में 24 टाइम्स रिंग करे, मतलब हर एक घंटे में एक बार रिंग करे। तो यार सिंपल है, अपन एक लूप लगा लेंगे जैसे फॉर लूप, उसमें फॉर इंट आवर इक्वल्स 1, आवर लेस देन इक्वल टू 24, आवर प्लस प्लस, फिर सी आउट अलार्म क्लॉक रिंगिंग और थोड़ा सा स्पेस, है ना। तो इससे 24 टाइम्स अलार्म क्लॉक रिंगिंग लिखकर आ जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरे वीक रिपीट हो, मतलब 24 × 7 टाइम्स। तो यार इसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड लूप्स। यस आई नो कोई इतना स्टूपिड नहीं है कि 24/7 अलार्म लगाए, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं लिखूंगा फॉर इंट डे इक्वल्स 1, डे लेस देन इक्वल टू 7, डे प्लस प्लस, और इसके अंदर अपना पुराना वाला लूप लगा दो और रन करोगे तो जो पहले अलार्म क्लॉक रिंगिंग लिख कर आ रहा था 24 टाइम्स, वो अब देखो 7 टाइम्स रिपीट भी हो रहा है अलग अलग लाइन में। तो इस टाइप के लूप्स को हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स, मतलब लूप के अंदर एक और लूप। तो यार अपन पहले थोड़ा इनका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर अपन इनको प्रॉब्लम्स में समझेंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अ नेस्टेड फॉर लूप। ऑल्सो यू कैन इंक्रीज नेस्टिंग लाइक दिस अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम।
तो ये बाहर वाले लूप को अपन आउटर लूप बोलते हैं और अंदर वाले लूप को अपन कहते हैं इनर लूप। ऐसे ही नेस्टेड व्हाइल लूप है और नेस्टेड डू व्हाइल लूप है, बट मैं मोस्टली नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करूँगा क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है इसकी। तो ये थे हमारे नेस्टेड लूप के तीन टाइप के सिंटैक्स। अब हम इनका यूज़ समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं अगर फोर इनपुट में दूं तो प्रिंट होगा 1 2 3 4 चार बार अलग अलग लाइंस में। ऐसे ही अगर 5 डालूं तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो 5 बार अलग अलग लाइंस में। तो यार अगर सिर्फ एक लाइन में 1 2 3 4 प्रिंट करना होता तो मैं एक फॉर लूप लगा देता, जैसे फॉर इंट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, फिर सी आउट आई और थोड़ा सा स्पेस। तो एन हम इनपुट में ले लेंगे, इधर एन 4 रहेगा, और अब रन करोगे तो एक लाइन में 1 2 3 4 मिल जाएगा, राइट। अब हम इसे एन टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, मतलब 4 टाइम्स अलग अलग लाइंस में, तो तब हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप्स। मैंने बाहर एक लूप लगा दिया इंट जे इक्वल्स 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर अपना पुराना वाला लूप लगा दो एज एन इनर लूप, और इस आउटर लूप में सी आउट एंडर लगा दिया। तो अब होगा ये कि जे इक्वल्स 1 है तो इनर वाला लूप चलेगा और एक बार 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर इनर लूप एग्जिट हो जाएगा और आउटर लूप के लास्ट में जो एंडर लिखा है उससे नेक्स्ट लाइन में चलेगा अपन, और जे प्लस प्लस से जे इक्वल्स 2 हो गया। ऐसे ही अब जे इक्वल्स 2 के लिए फिर से इनर लूप चलेगा, 1 2 3 4 नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, फिर एंडल से नेक्स्ट लाइन और जे प्लस प्लस से 3 हो गया, फिर जे इक्वल्स 3 के लिए भी एक और बार 1 2 3 4 मिलेगा, फिर जे इक्वल्स 4 के लिए भी एक और बार 1 2 3 4 मिल जाएगा। और अब जैसे ही जे इक्वल्स 4 के बाद जे इक्वल्स 5 हुआ तो लूप रुक जाएगा आउटर वाला और हमारा प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा। ऐसे ही हम एन इक्वल्स 5 डालेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया 5 टाइम्स अलग अलग लाइंस में। तो यार यही यूज़ होता है नेस्टेड लूप्स का। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे प्रिंट करना है ये स्टार पैटर्न या एस्ट्रिक पैटर्न भी बोल सकते हो, जिसमें अगर एन इक्वल्स 5 डाला है तो एक लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट हो गए, बट मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ एन माइनस 1 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स। तो यार सिंपली एन इनपुट में ले लोगे, फिर अपन नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। वो कैसे? मान लो एन इक्वल्स 5 है और एक फॉर लूप है जैसे इंट जे इक्वल्स 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, और जे प्लस प्लस, और अंदर से आउट स्टार कर दिया, और अब रन किया तो हमें 5 स्टार्स मिल गए क्योंकि एन 5 था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 स्टार्स हैं वो प्रिंट हो अलग अलग लाइंस में एन माइनस 1 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स। तो उसके लिए एक लूप बनाया इंट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1, आई प्लस प्लस, और अंदर ये पुराना लूप लगा दिया एज एन इनर लूप, और आउटर लूप की स्टेटमेंट में सी आउट एंडल भी लिख दिया। तो अब जैसे प्रोग्राम रन किया और एन अपना 5 है तो फॉर आई इक्वल्स 1 इनर लूप चलेगा और 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएगा, और इनर लूप एग्जिट होगा, फिर सी आउट एंडल से अपन नेक्स्ट लाइन में चले गए और आई प्लस प्लस से आई इक्वल्स 2 हो गया। ऐसे ही आई इक्वल्स 2 के लिए अपन को 5 स्टार्स मिल गए, आई इक्वल्स 3 के लिए 5 स्टार मिल गए, और आई इक्वल्स 4 के लिए 5 स्टार्स मिल गए। फिर जैसे ही आई इक्वल्स 5 हुआ तो आउटर लूप रुक जाएगा क्योंकि आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1, है ना। तो यार 5 तो बड़ा हो गया एन माइनस 1 से, मतलब 5 बड़ा हो गया 4 से, तो ये लूप रुक जाएगा। तो अपन को 5 स्टार्स मिल गए 4 लाइंस में रिपीट होकर। अगर अपन ने 6 डाला तो देखो 6 स्टार्स मिल गए 5 लाइंस में रिपीट होकर। सो हे देयर, दिस इज मी विराज, और आज के वीडियो में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो एरेज क्या होता है? तो एरेज बेसिकली तुम्हारा वो दोस्त वाला अरे यार वो सब नहीं होता। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे आपको अलग अलग वेरिएबल्स, मतलब अलग अलग वैल्यू स्टोर करनी है अलग अलग वेरिएबल्स में, तो उससे अच्छा मेथड होता है एरेज को यूज़ करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में आप पहले तो हम अपना वी एस कोड खोल लेते हैं, ठीक है। तो वी एस कोड में मैंने 1.cpp बनाया हुआ है। इसके अंदर इंट वेर 1 equals 10, ठीक है, इंट वेर 2 equals 20, और इंट वेर 3 equals 30, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग मैंने वेरिएबल्स बना लिए, वेर 1, वेर 2 और वेर 3, इंटीजर टाइप के, और इनमें वैल्यूज डालिए 10, 20, 30, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मेथड होता है एरेज यूज़ करना। तो एरेज में बेसिकली क्या करते हो आप, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। एरेज का क्या होता है, मान लो मैंने एरे एक डिक्लेयर किया, ARR, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं ARR रख रहा हूँ, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को इसका साइज़ डिक्लेयर करना है। साइज़ क्या होता है, साइज़ बोल रहा हूँ मैं, लेंथ डिक्लेयर करना है। तो साइज़ बेसिकली वो बिट्स बाइट्स वाला होता है, ये लेंथ है। लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर करने हैं। तो कितने एलिमेंट स्टोर करोगे, मान लो 3 एलिमेंट स्टोर करने हैं अपने को, 10, 20, 30,
ठीक है। तो और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर 10, 20 और 30, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया अपन ने, एक एरे डिक्लेयर की। एरे को अपन ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, आप ARR की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, ठीक है। और एक मिनट, मेरे को यहाँ पे पहले इसका टाइप भी लिखना पड़ेगा। टाइप लिखना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि एरे में क्या होता है, आप जैसे मैंने इंटीजर टाइप रखा है इसको, तो आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही डाल सकते हो, जैसे 10, 20, 30। अब इसकी जगह मैं कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर या कोई और टाइप का वेरिएबल नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एरे में एक ड्रॉबैक है कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल्स जाते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो यार, ये वैल्यूज़ तो मैंने डाल दी, अब मैं इनको एक्सेस कैसे करूँगा। तो उसके लिए एरे एक काम करते हैं, हाँ, सी आउट एरे 0, ठीक है, और इसको रन करो। तो इसको रन करने पर ये देखो, ये 10 आ गया। तो 10 इसलिए आया क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मैं बताता हूँ, रुक जाओ, पहले बाकी की तो प्रिंट कर ले। सी आउट एरे ऑफ 1, ठीक है, और सी आउट एरे ऑफ 2, ठीक है। तो ये तीन लिख दिए अपन ने। अब आप स्पेसिंग का मत देखना, यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिंग अभी दी नहीं है, तो चिपक के आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 10, 20, 30 तीनों प्रिंट हो गए, ये देखो, दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये 0, 1, 2 क्यों है, 1, 2, 3 क्यों नहीं है। तो एरे में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग क्या है, ये या फिर ये तीनों इंडेक्सिंग है एरे की, ठीक है। तो जैसे अपने एरे में 3 एलिमेंट थे, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2, ठीक है। ऐसे अगर 10 एलिमेंट होते तो 0 से लेके 9 तक चलता, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसको भी अभी कमेंट आउट कर देते हैं। अब बारी आती है, आप इसको मैन्युअली करने से अच्छा एक काम करो, इसको इनपुट में कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट में करने के लिए सबसे पहले अपन को एरे का लेंथ डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैं काम करता हूँ, इंट एन बना लिया, और सी इन एन से मैंने एक इंटीजर इनपुट में ले लिया। जैसे यहाँ पे एरे की लेंथ 3 थी, तो मैं एन को 3 मान लूँगा और 3 इनपुट में ले लूँगा, ठीक है। और फिर मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगा, इंट टाइप का ही करूँगा, ठीक है, इंट एरे, ठीक है। और इसके अंदर इसका साइज़ एक्चुअल में एन रहेगा, लेंथ इसकी एन रहेगी, और इसको ऐसे ही रहन देते हैं। अब इतना हो गया। अब अगर आपको इनपुट में लेना है, तो उसके लिए अपन को लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। लूप कौन सा यूज़ करोगे, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं फॉर लूप मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, फॉर लगाया, फॉर इंट आई इक्वल 0, वही नॉर्मल सा अपना कंडीशन है, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। और अंदर लिखोगे सी इन एरे ऑफ इंडेक्स आई। तो बेसिकली इधर क्या हो रहा है, अपन ने एक पहले तो इंटीजर एन ले लिया, जिससे अपन को एरे की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। और फिर एक एरे ऑफ साइज एन, ऑफ लेंथ एन डिक्लेयर कर दिया। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर इनपुट में लिया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 0 है, तो 0 लेस देन 3 चेक करेगा पहले, ये कंडीशन पहले चेक होगी, ठीक है। जैसे ये कंडीशन ट्रू निकलेगी, ठीक है, 0 छोटा है 3 से अभी, तो अंदर चल जाएगा, अपन इधर आ जाएंगे, तो एरे ऑफ 0, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्सिंग वाला एरे भर जाएगा, उस पर अपन इनपुट दे देंगे वैल्यू 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस से 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा 1 लेस देन 3 है कि नहीं, तो हाँ 1 लेस देन 3 है, तो फिर से एरे विथ इंडेक्सिंग 1 अपन इनपुट में दे देंगे। इसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा अब ये लूप में कि 2 लेस देन 3 है कि नहीं है, तो हाँ अभी भी है, तो फिर से अंदर आके एरे विथ इंडेक्सिंग 2 ये इनपुट में ले लेगा। इसके बाद जैसे ही आई प्लस प्लस होगा, तो 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसके बाद 3 लेस देन 3 नहीं होता, ठीक है, 3 और 3 बराबर होता है, तो ये लूप रुक जाएगा।
तो अपनी वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएगी, एरे ऑफ ज़ीरो, एरे ऑफ वन और एरे ऑफ टू, ये तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास। अब इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इधर। क्या गड़बड़ की है? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ एर लिख दिया है। ठीक है, आप इधर एरे मतलब बराबर इधर डिक्लेयर, बस नाम अलग कर दिया था मैंने। ठीक है, नाम सेम बस होना चाहिए, कुछ भी नाम रखो। और फिर से रन करते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं। अब मैं यहाँ पे पहले n इनपुट में दूंगा, तो n अपना 3 मान लिया है ना, और नेक्स्ट लाइन में 10, फिर 20, फिर 30। इसके बाद देखो प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट वाला पार्ट लिया, अभी आउटपुट नहीं दिया है। तो आउटपुट के लिए कुछ नहीं, फिर से फॉर लूप को ही कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको चेंज करके सिंपली अपन ने सी आउट लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी अपन इनपुट में देंगे वो आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे अपन स्पेसिंग भी दे देते हैं। ठीक है, ये स्पेस देंगे तो 10, 20, 30 जो अपन को आउटपुट में मिलेगा वो स्पेस होके मिलेगा। तो अब इसको फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज़ डालेंगे 3। ठीक है, और एक लाइन में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, अब इसको एंटर करो। तो हाँ, ये देखो आउटपुट में अपन को 10, 20, 30 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही अपन एरेज का इनपुट लेते हैं। और एरे के और टाइप भी होते हैं, 2D एरेज, 3D एरेज, बट वो एडवांस C++ में आते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए इतना पार्ट इनफ होगा। और एक और चीज़ होती है, जैसे इसको मैं काम करता हूँ, कमेंट आउट अभी कर देता हूँ, कमेंट आउट नहीं करते, चलिए हाँ आगे लिख देता हूँ मैं। मैं लिखूँगा सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइज ऑफ एरे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को एरे का साइज मिल जाएगा। साइज़ क्या होता है, वो जैसे इंटीजर का 4 होता है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग का अलग अलग होता है। तो इधर कितना साइज़ मिलना चाहिए, इधर अपन को 12 मिलना चाहिए, क्योंकि तीन एलिमेंट्स रखे, हर एक का साइज़ है 4। ठीक है, तो अपन को 12 आउटपुट में मिलना चाहिए। तो यार फिर से अपन को इनपुट में देना पड़ेगा 3 के बाद 10, 20, 30। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत बोलो हो ना, मैं अलग लाइन में भी दे सकते हो इसको, और सेम लाइन में भी दे सकते हो, बस स्पेस होना चाहिए बीच में। ठीक है, और इसको रन करोगे तो पहले तुम को 10, 20, 30 ये सब इन आउटपुट में मिल गया। उसके बाद देखो 12 आया, जैसे मैंने बताया था 4 × 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 होता और 4 वैल्यूज़ आप डालते तो उसके बाद 4×4=16 हो जाता। ठीक है, तो ये अपन को साइज़ मिल गया। और लेंथ निकालने की वैसे आपको ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अपन ने एन इनपुट में दे रखा है। फिर भी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो उसका शायद एक और तरीका है, इसको अपन करके देखते हैं। ये बेसिकली मैंने लॉजिक बस लगाया है, साइज ऑफ एरे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे एट इंडेक्स 0। ठीक है, अब इसको एक बार और रन करके देखते हैं। वैल्यूज डाल दो 3, 10, 20, 30। ठीक है, तो ये देखो ये 3 आ गया यहाँ पे लास्ट में। 3 इसलिए आया क्योंकि लेंथ उसकी 3 है। तो बेसिकली क्या किया हमने, साइज ऑफ एरे अपना 12 आया था। ठीक है, इतना तो याद है। और उसके बाद ये साइज ऑफ एरे विथ इंडेक्स 0, इसका मतलब क्या है, जो साइज ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स 0 इसमें क्या डला है, इसमें इंटीजर डला है। ठीक है, तो उसका साइज़ कितना होता है, 4। तो उसका साइज़ 4 होता है, इसके कारण इसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो जैसे ही 12 4 से डिवाइड हुआ अपन को 3 मिल गया। तो बस इतना सा लॉजिक था उसमें। एनीवेज, इतना ही था एरेज वाले पार्ट में। अब अपन चलते कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रांग हो जाएंगे। और अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर देना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं सम निकालने का। ठीक है, तो मैंने पहले से बना के रखा है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो सम बनाने के लिए अपन को पहले तो एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहीं से छाप लो। ठीक है यार, अब मुझे कमेंट में बताना आप में से कौन कौन आलसी हो मेरे जैसे, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इतना पार्ट अब समझ गए आप कि मैंने n डिक्लेयर किया, इनपुट में ले लिया n,
ठीक है, और उसके बाद एरे ऑफ साइज एंड मैंने डिक्लेयर कर दिया और फिर मैंने उसको इनपुट में ले लिया। इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद मैंने इंट सम इक्वल ज़ीरो डिक्लेयर किया। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एरे का साइज़ अपन ने 3 रखा था और अपन ने 3 वैल्यूज डाली थी 10, 20, 30। तो इस प्रोग्राम में क्या करना है, अपन को 10 + 20 + 30 = 60, तो 60 अपन को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम प्रिंट करना है। तो अब क्या करेंगे, अपन एक और फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे अपन ने सम डिक्लेयर कर दिया, सम इक्वल ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और इधर इंट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे सम इक्वल्स सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो इसमें क्या होता जाएगा, कितनी बार लूप चलेगा 3 बार, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो जितनी बार लूप चलेगा सम की वैल्यू ऐड होते जाएगी, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ प्लस इक्वल्स टू लगा देते तो भी चलता, ये शॉर्टकट है, ठीक है, जो यूज़ करना हो करो। और लास्ट में सी आउट सम कर देते हैं अपन, सी आउट और सम। तो अब इसको रन करके देखते हैं। कुछ मिस्टेक कर दी, अच्छा यार फिर से, चलो कोई बात नहीं यार, मैं इंसान हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हाँ अब करते हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार 10, 20, 30 क्यों डाल रहा हूँ, ऐसे यार इजी लगता है, ठीक है। तो देखो आउटपुट में 60 मिल गया, क्योंकि इसका सम है 30 + 20 + 10 जो कि होता है 60, ठीक है। तो ये अपन ने सम निकाल दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी होता है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक और इंट प्रोडक्ट इक्वल्स, इसको अपन 0 से नहीं 1 से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में यार अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर ही 0 हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा फिर तो। और एक काम करते हैं, यहीं पे अपन प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट इंटू इक्वल्स एरे ऑफ आई, ठीक है। तो इस वाली स्टेटमेंट से जो प्रोडक्ट एलिमेंट, सॉरी प्रोडक्ट वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया है, उसके अंदर ये सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे, जितने एरे ऑफ इंडेक्स आई है 0, 1, 2, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो इसको एक बार फिर से अपन रन करके देख लेते हैं। तो 3, 10, 20, 30, एक मिनट, मैंने आउटपुट में ही नहीं दिया। तो इसी के बाद अपन स्पेस दे के फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब 10, 20, 30, तो देखो 6000 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा 30 × 20 कितना हो जाएगा 600, ठीक है, उसमें इंटू 10 करेंगे तो 6000, ठीक है। तो अब आप सम और प्रोडक्ट निकालना समझ गए होंगे, ठीक है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो नेट पे जाके सर्च करो यार, एरे क्वेश्चंस फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो मुझे इतने सही लगे हैं 2-3, तो अभी मैं कराऊँगा 1-2 और। तो एनीवेज इतना तो अगर आपको क्लियर होगा तो सही है, अगर नहीं है तो कमेंट कर दो। इसके बाद हमको करना है ऐड टू एरेस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, 2 एरेस डिक्लेयर करनी है, ठीक है। 2 एरेस डिक्लेयर करूँगा ऑफ सेम साइज, ठीक है, मैं सेम लेंथ। तो सेम लेंथ मतलब लेंथ मैं दोनों की n ही रखूँगा, ठीक है। और इधर मैं 1 कर देता हूँ, और ऐसे ही इंट एरे 2 और फिर से साइज n, ठीक है। तो इधर मैंने 2 एरेस डिक्लेयर कर ली, एरे 1 एरे 2। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली इन 2 एरेस के जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका इंडेक्स 0 वाला और इसका 0 वाला, ये एडअप होके किसी तीसरे एरे में चले जाएंगे। तो तीसरा एरे भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट एरे 3, और इसका साइज़ भी ऑब्वियसली n ही रहेगा, क्योंकि वो दोनों ऐड होंगे तो एलिमेंट्स कहाँ बदलने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही रहेंगे।
अब अपन को क्या करना है, बेसिकली पहले अपन एरे वन को इनपुट में ले लेंगे, है ना। एरे वन को इनपुट में लोगे, उसके बाद एरे टू को भी इनपुट में लोगे, तो यहाँ पे टू लगा देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, बन ने एरे वन वन टू थ्री डिक्लेयर कर दिया ऊपर, ठीक है, और एरे वन को इनपुट में ले लिया और एरे टू को इनपुट में लिया। अब आप लोग सोच रहे हो एरे ऑफ थ्री का क्या करना है, ठीक है, सॉरी एरे थ्री का क्या करना है। तो इसमें इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से यही फॉर लूप, इंट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर लिखोगे सी आउट, नहीं सी आउट नहीं लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे एरे, ठीक है, एरे ऑफ थ्री, और इसका इंडेक्स कौन सा रहेगा, इसका इंडेक्स आई रहेगा, ठीक है, और इधर लिखोगे एरे ऑफ वन, इसका भी इंडेक्स आई रहेगा, और एरे ऑफ टू, इसका भी इंडेक्स आई रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आई ज़ीरो रहेगा, ठीक है ना, तो इसका ज़ीरो वाला जो भी रहेगा और इसका ज़ीरो वाला जो भी रहेगा, ये दोनों ऐडअप होके इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये एम्प्टी वाला एरे है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अभी ज़ीरो है, ठीक है ना। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं एरे ऑफ वन डिक्लेयर करता हूँ 10, 20, 30, ठीक है, एरे वन मैं डिक्लेयर करूँगा 10, 20, 30, ये तीन वैल्यू डालूँगा, और भी वैल्यू डाल सकते हो, बट अभी अपन तीन ले रहे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू तीन मान रहे हैं, तो 10, 20, 30 इसकी मान लेते हैं, और 40, 50, 60 इसकी मान लेते हैं, और इसका रहेगा 0, 0, 0, मतलब ये एम्प्टी वाला एरे है, क्योंकि अपन ने इसको इनपुट में भी कुछ नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहता है, तो ठीक है। तो ये रहेगा, यहाँ पे अपन कमेंट बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू रहेगी 10, क्योंकि एरे अभी अपन ज़ीरो वाला इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है ना, आई की वैल्यू अभी ज़ीरो है, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर अपना 40, ठीक है, 40, तो ये दोनों एडअप होके इसका जो आई ज़ीरो रहेगा उसमें डाल देगा 50, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आई इक्वल ज़ीरो के लिए, और ज़्यादा गैप हो गया शायद, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ये मैं कमेंट कुछ काम का नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए, ऐसे ही जैसे आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये 20, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 50, ये मैंने मन से वैल्यूज़ डाली है, ठीक है ना, एरे ऑफ वन में, एरे टू के फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू 50 डाली थी, और एरे ऑफ वन के दूसरे पहले इंडेक्स में, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स में, अरे यार समझो आई की वैल्यू जब 1 है तब इसकी वैल्यू 20 डाली, तो इधर और एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, एरे वन, ठीक है, इसमें मैंने क्या वैल्यूज़ डाली है, 10, 20 और 30, ठीक है, और ऐसे ही एरे टू रहेगा, उसमें वैल्यूज़ क्या डालूँगा मैं, 40, 50, 60, आई नो मैंने यहाँ पे ये साइज़ नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, तो वो अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप नॉर्मली वैसे लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आई इक्वल ज़ीरो के लिए 10 हो गया और 40 हो गया, ठीक है, ऐसे ही आई इक्वल्स 1 के लिए 20 हो गया और 50 हो गया, है ना। फिर इनका सम क्या हुआ, इनका सम हो गया 70, ऐसे ही आई इक्वल्स 2 के लिए होगा, ये आई इक्वल्स 2 के लिए क्या सम हो जाएगा, 90 होना चाहिए, है ना, 90 कैसे, ये बेसिकली ये 30 है और ये 60 है, तो इतना समझ गए होगे कि ये लूप कैसे काम करेगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी उसके हिसाब से ये इनका सम एरे थ्री में आता जाएगा। अब इसको आउटपुट में दे देते हैं, तो फिर से इसको एरे ऑफ थ्री कर देते हैं, मैंने कॉपी कर रखा था, ठीक है ना, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है, सी आउट और ये लगा दो, और एक काम करते हैं अपन वो स्पेसिंग लगा देते हैं जिससे सुंदर दिखेगा। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करो और वैल्यूज़ डाल दो, 3
और यहाँ पे पहले डाल दिया 10, 20, 30 और नेक्स्ट लाइन में 40, 50, 60। तो अब रन किया तो देखो एकदम सही आ गया 50, 70, 90। ठीक है, तो ये वैल्यूज 50, 70 और 90 मिल गए अपन को। तो इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम बची अपनी, ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली अपन को एरे का रिवर्स में प्रिंट करना है। जैसे एलिमेंट्स डाले अपन ने ऑर्डर में 10, 20, 30, तो अपन को प्रिंट करना है 30, 20, 10। तो वो कैसे करोगे, तो पहले तो यार कॉपी मार लेते हैं कहीं से, ठीक है, इतना पार्ट कॉपी कर लो, इतना पार्ट सेम है हर जगह इनपुट लेने तक। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लिया अपन ने, आई एम वेरी वेरी आलसी, सॉरी गाइस, ठीक है, समझ गए इतना। इसके बाद क्या करना है, अपन ने इनपुट ले लिया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है, अब अपन को बस आउटपुट में डालना है। तो सिंपल है, लूप को अपन उल्टा चला देते हैं, वो कैसे, इंट आई इक्वल्स n माइनस वन, इसलिए क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा n माइनस वन तक ही जाती, जैसे यहाँ पे 3 थी तो अपनी इंडेक्सिंग 2 तक ही गई थी, ठीक है। और फिर क्या करो, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए, और यहाँ मैं कर दूंगा i माइनस माइनस। तो बस कुछ नहीं किया मैंने, ये लूप जो चल रहा था इसी को उल्टा लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ आई, तो मैं आप लोग ये भी कर सकते हो, अलग से एक और एरे बना लिया, उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दी उल्टी वाली, फिर प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सही मेथड है, बट मैं यहाँ डायरेक्ट आउटपुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे अपन ने 3 डाला, 10, 20, 30, तो देखो 30, 20, 10 आ गया यहाँ पे। और अच्छा दिखाने के लिए इसको स्पेसिंग दे दो, चलो ठीक है, खुश। फिर से अपन ने इसमें डाली वैल्यू, चलो इस बार तुम्हारी खुशी के लिए 5 डाल देता हूँ, बहुत सोच रहे होगे यार भैया कब से 3 डाल रहे हो और कोई नंबर नहीं है क्या, ठीक है, 40, 50, तो आप देखो रिवर्स में प्रिंट हो गए, ठीक है। तो यार ऐसे ही आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ खेल सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स के परसेंटेज निकालने का, एक एरे लो, मतलब जितनी भी एरे लेने हैं साइज़ लेने, जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 साइज़ ले लो उसका, और उसके बाद इंडिविजुअली वैल्यूज़ ले लो, ठीक है, जितने तुम्हारे मार्क्स आए, मान लो 100 में से मार्क्स ले लो जितने भी आए, फिर उसका परसेंटेज निकाल के प्रिंट कर दो, सम निकालोगे फिर उससे परसेंटेज निकल ही जाएगा, फिर प्रिंट कर दोगे। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के सवाल होते, करते रहना अपना, और सर्च करोगे आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल ही जाएंगे। तो यार अभी तक आपके एरेज के बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा आप लोग सोच रहे होगे यार मैं तो हमेशा फॉर लूप ही यूज़ कर रहा हूँ, तो और कोई लूप नहीं है क्या, है बिल्कुल है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा यहीं पे करके दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो, ये इतना पार्ट आप समझे होगे कि यहाँ पे मैंने इनपुट में लिया है, तो इसकी जगह मैं वाइल लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, वो कैसे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया वाइल और अंदर लिख दिया वाइल आई लेस देन एन, तो जब तक आई छोटा है एन से, एरे ऑफ आई, एक मिनट सी इन लेना पड़ेगा, सी इन एरे ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है, इसको अपन इनपुट में लेंगे, और क्या करना है, आई प्लस प्लस लास्ट में कर दो जिससे आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ हुई है, जो ऊपर वाला लूप है ना उसी को अपन ने वाइल लूप में लिख दिया है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, बस बाकी सब तो सही है। और हाँ, आई को बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मत भूलना, इंट आई इक्वल 0, ठीक है, इतना हो गया, इसको एक बार रन करके देख लो। अपन ने जैसे साइज़ 4 डाला, ठीक है, और वैल्यूज़ डाल देते हैं 3, 5, 6, 4, ठीक है, तो हाँ अपन को 3, 5, 6, 4 मिल गया, और ये 16, 4 तो बाद में जो अपन ने चीज़ें लिखी, साइज़ ऑफ लिखा,
साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ कितना है अपना 16 आया, 16 इसलिए आया क्योंकि चार वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो 4 4 16 हो गया क्योंकि इंटीजर्स है, ठीक है, और ये लास्ट में 4 आया मतलब चार एलिमेंट्स हैं, वो कैसे आया, इसके कारण आया, ठीक है, इससे आया 16 और फिर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, ये लास्ट वाला 4 ऐसे मिला था मन को, ठीक है। सो हे देयर, दिस इज मी विराज। आज के वीडियो में हम रेफरेंसेस और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे हर एक इंसान का इस अर्थ में कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, तो वही होता है रेफरेंस, उसका एड्रेस। तो इसे हम डिनोट करते हैं एंड वाले साइन से। तो पहले इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे int var1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट एंड वेर वन। तो इसे क्या होगा, अब इसको आप रन करोगे तो इसको इसका एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, जो वेर वन है ना इसका एड्रेस मिलेगा। अब देखना कुछ उटपटांग सा नंबर आएगा, तो ये देखो ये 0x लिख क्या है, मतलब ये हेक्साडेसिमल कुछ कोड है, ठीक है। तो बेसिकली ये एड्रेस है वेर वन का, ये मेमोरी पे इस जगह पर सेव्ड है। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक कंप्यूटर का अलग अलग ये मेमोरी एड्रेस के लिए आएगा, मतलब हर एक वेरिएबल का अलग अलग सेव होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका अलग आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होगे आप, कुछ भी अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल आपको बनाना है तो यहाँ एंड साइन पहले लगा सकते हो, बस रेफरेंस वाला काम इतना ही था, ठीक है। अब अपन चलते पॉइंटर्स पे। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? तो पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जहाँ आप मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हो किसी वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर मैंने int var equals 10 डिक्लेयर कर दिया एंड इसके बाद मैं लिखूँगा int star myptr। मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया, तो ये स्टार वो एस्ट्रिक्स वाला है, ठीक है, मैं स्टार बोलता हूँ, आप एस्ट्रिक्स बोल सकते हो, इसे एस्ट्रिक्स ही बोलते, मुझे आदत है। एनीवेज, तो ये जो स्टार है इसको हम लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले पॉइंटर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, माई पी टी आर इक्वल्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी टी आर पॉइंटर का, ऐसे ही नाम जो पसंद आया मेरे को, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो माई पी टी आर इक्वल्स एंड वेर, इधर मैंने क्या किया है, जो एंड वेर है वो अपना याद करो, मैंने मेमोरी लोकेशन बताई थी, जैसे ये नीचे यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है ना, वैसे ही यहाँ पे इसकी भी कुछ मेमोरी लोकेशन आएगी, तो वो मैंने असाइन कर दिया माय पी टी आर वेरिएबल को। तो ध्यान रखना मैंने इसको कुछ असाइन नहीं किया है, ठीक है, मैंने इसको असाइन किया है। अब क्या होगा, जैसे मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है, सी आउट माय पी टी आर और अब इसको रन किया, तो देखो मेरे को मेमोरी एड्रेस मिल गया, ये मेमोरी एड्रेस है वेर का, ये यही है वो मेमोरी एड्रेस, तो अपन को ये वैल्यू मिल गई। और अगर मैं अब ये लिखूं सी आउट स्टार माय पी टी आर और यहाँ पे मैं काम करता हूँ लाइन एंड कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, हाँ, तो देखो माय पी टी आर के लिए तो एड्रेस आ गया एंड वेर वाला, है ना, और ये जो स्टार माय पी टी आर है ये बेसिकली डायरेक्ट ये वेर की वैल्यू ले लेता है, ठीक है। अब आप समझ गए होगे, अगर आप एंड माय पी टी आर को नॉर्मल इसके साथ एड्रेस के साथ लिंक कर देते हो तो जो स्टार पी टी आर स्टार माय पी टी आर है वो बेसिकली आपको वो वैल्यू दे देगा जो इस एड्रेस पर स्टोर्ड है ना। वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना ये एंड और स्टार पे, तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ, माय पीटीआर में ये जो वेर वेरिएबल है इसका एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है। अब अपन ने एड्रेस स्टोर कर दिया और यहाँ पे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया है स्टार लगा के, तो अब क्या होगा, जैसे ही इस पे मैं एड्रेस स्टोर करूँगा माय पीटीआर में, तो जो स्टार माय पीटीआर है जो अपना पॉइंटर है वो ये वैल्यू इनहेरिट कर लेगा, मतलब वो ये वैल्यू ले लेगा, है ना। अब अपन कुछ और चीज़ें देखते हैं, वेरिएबल टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी कई वेरिएबल टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ int यूज़ किया है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं,
जैसे इंट का तो आप डायरेक्ट स्टार, मैं कोई सा भी वेरिएबल ले लेता हूँ, आईटी ले लेता हूँ, है ना। तो ऐसे आप इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हो, पॉइंटर वाला इंटीजर। ऐसे ही आप डबल में भी कर सकते हो, स्टार DBL, है ना। तो ये जो नाम है ये मैं मन से लिख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। बस फ़र्क ये है कि स्टार सबसे पहले होना चाहिए, किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए स्टार सबसे पहले होना चाहिए, और रेफरेंस के लिए एंड सबसे पहले होना चाहिए। तो अभी तक आपको सब क्लियर होगा। इसके बाद हम लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट का भी ऐसे नाम ले लेते हैं, FLT। ऐसे ही कैरेक्टर्स भी होते हैं, कैरेक्टर में भी ऐसे ही आप डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। तो इनमें भी सब सेम ही चीज़ें लगती जो हमने इंटीजर वाले में लगाई है। यहाँ पे हमने जो इंटीजर वाले में चीज़ें लगाई वो सब सेम ही है इसमें, है ना। आप अगर वैल्यू एक्सेस करोगे तो आपको वो इंटीजर की जगह कैरेक्टर अगर लगाओगे तो कैरेक्टर मिल जाएगा, जो लगाओगे वो मिल जाएगा। बट मेमोरी एड्रेस ऐसे ही टाइप का मिलेगा, हो सकता है सेम ना मिले बट ऐसे ही टाइप का मिलता है। तो अब आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी देख लिए। अरे ये तो नॉर्मल बात है यार, मतलब कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सबके साथ होता है, हर वेरिएबल में ऐसी चीज़ें लग जाती है। इसके बाद चलते हैं इसका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है। तो आप सोच रहे हो यार मैं इतनी देर से पॉइंटर कर रहा हूँ बट इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग में होता है, वो अभी आप आगे जाके एडवांस C++ में पढ़ोगे तो अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पॉइंटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्किप मत करना। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे बेसिकली हमको क्या करना है, एरे डिक्लेयर करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो सबसे पहले मैंने एक एरे बना ही ली, इंट n=3। तो इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने एरे के साइज़ के लिए एक n वेरिएबल बनाया और जिसकी वैल्यू मैंने 3 दे दी। अब यार अलग से इनपुट भी ले सकते हो बट जल्दी करने के लिए हमने 3 ले लिया। यू नो आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, सो डजेंट मैटर आप इनपुट लगाओ या ऐसे लगाओ, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। बाद में आप इनपुट लगा के खेल सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, एर कर लेता हूँ, ठीक है। एक एरे ऑफ साइज एन मैंने डिक्लेयर कर लिया और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, 20 और 30, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मेरा एरे डिक्लेयर हो चुका है। तो अब ध्यान से देखना, मैंने एक इंटीजर आई ऐसे डिक्लेयर किया, कुछ नहीं इसका कोई रोल नहीं, इसका बस वही रोल होता है अपन इंट i=0 i++ वो सब करते हैं उसके लिए, है ना। और इसके बाद मैंने एक PTR पॉइंटर नाम का एक और एरे बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इस स्टार को बोल जाओ, ये PTR है ना, इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, इसमें वो एरे के एड्रेस पर्टिकुलरली स्टोर करूँगा इसके हर एक इंडेक्स पे, ठीक है। और जब मैं स्टार यूज़ करूँगा, मैं आउटपुट में स्टार लगाऊँगा तो वो जो एड्रेस है उसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अभी इसको और समझते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा लूँगा, फॉर इंट i=0, है ना, और i<n, मतलब i<3 रहेगा इधर, और i++। तो ये सेम वही एरे को इनपुट लेने वाला प्रोसीजर जो अपन फॉर लूप लगाते बेसिक सब वही है। तो इधर इनपुट कुछ नहीं लेना, अपन ने सब दे रखा है, अपन को बस वैल्यू अब असाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, PTR i, है ना। मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे स्टार से डिक्लेयर किया है एक एरे, मतलब एक जो पॉइंटर नाम का पॉइंटर वाला एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, पॉइंटर वाला एरे किया है। नॉर्मल वाला ये है और पॉइंटर वाला एरे ये है। तो अब मैंने क्या किया, जो PTR n है, स्टार को मत गिनना, PTR n है, ठीक है। तो मैंने यहाँ PTR i लिखा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं स्टोर करूँगा जो i वाला इंडेक्स है, मतलब अभी पहला i0 रहेगा तो ये इस इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, मतलब 10 जो यहाँ पे लिखा है इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो लिख के देख लो, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड एरे i। तो अब क्या होगा, जो भी आयत इंडेक्स में जो भी एरे वाला, मतलब जैसे 10 हुआ, ठीक है ना, जैसे 10 है सबसे पहले, तो 10 का एड्रेस इसको मिल जाएगा सबसे पहले। उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, 0 से 1 हो जाएगी, फिर से लूप चलेगा। तो यहाँ अपन आ जाएंगे, तो अब इसका जो भी एड्रेस रहेगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है, इसकी भी i इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, इसका भी i 1 हो जाएगा। ऐसे ही i की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, 0, 1, 2 ऐसे इंडेक्सिंग चलती है, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे अपन इसका जो भी एड्रेस रहेगा वो इधर PTR ऑफ इंडेक्स
टू में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो इधर तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। PTR ऑफ इंडेक्स आई गेट्स द एड्रेस ऑफ एरे विथ इंडेक्स आई, है ना। तो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है, जो भी उस इंडेक्स पे एरे की वैल्यू रहेगी, जैसे 10 है तो 10 का एड्रेस इसको मिल जाएगा। अब देखते हैं, इसको अपन आउटपुट में डाल के देखते हैं। तो फिर से वही int i equals 0, i less than n और i plus plus। अब अंदर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट में लिख देता हूँ, एरे है ना, हाँ एरे, और यहाँ इसका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ मैंने आई लिख दिया, और फिर से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये नॉर्मल लिखा रहेगा, स्ट्रिंग लिखा रहेगी, और उसके अंदर यहाँ आई अपडेट होता रहेगा। और उसके बाद मैं काम करता हूँ, फिर से इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस देके इक्वल्स टू साइन लगा देता हूँ, और अब मैं लिखूँगा स्टार पी टी आर आई। तो अब इसको रन करके देख लो। तो ये देखो, एरे विथ इंडेक्स 0 की वैल्यू 10 हो गई, एरे विथ इंडेक्स 1 की वैल्यू 20 हो गई, एरे विथ इंडेक्स 2 की वैल्यू 30 हो गई। तो आप समझ गए होगे क्या हुआ कि यहाँ पे अपन ने वही चीज़ की, PTR वाले जो एरे है अपन ने डिक्लेयर स्टार PTR किया, बट अपन PTR में अपन स्टोर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस को, ठीक है ना। ये जो भी एरे में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे 10 होगा तो 10 का एड्रेस इसके फर्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा, ऐसे ही 20 का एड्रेस इसके सेकेंड इंडेक्स में चला जाएगा, ऐसे ही 30 का एड्रेस इसके थर्ड मतलब सेकंड जो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो 2 पे चला जाएगा, 0 1 2 ऐसे होता है ना, तो मैं थर्ड इंडेक्स बोल रहा हूँ, मतलब 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास बेसिकली एक ये PTR नाम का एरे अब बन जाएगा, जिसमें ये जो एरे के सारे एलिमेंट्स हैं उन सब के एड्रेस स्टोर्ड होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार PTR लगाऊंगा तो इसमें जो भी एड्रेस स्टोर्ड थे उन सब की वैल्यूज़ प्रिंट होने लगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंटर लगा दिया है। तो पॉइंटर से क्या होता है, जो भी एड्रेस रहता है उससे उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो अब इसको रन किया तो यहाँ पे देखो, सिंपली उनकी वैल्यूज़ मिल गई पूरी, एरे 0 का 10 मिल गया, एरे 1 का 20 और एरे 2 का 30। तो आप और भी खेल सकते हो, मैंने सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ लिया, आप और बढ़ा सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो बड़ा नंबर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब अपन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन ने नॉर्मल एरेस, मतलब यहाँ पे आई जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे उसमें वैल्यूज ये सब डलती जा रही है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्या करेंगे, अपन सिर्फ आई की वैल्यू चेंज करेगी और उसमें अपने आप पॉइंटर अपडेट होता रहेगा। काफ़ी सिमिलर रहेगा इससे, बस कुछ चीज़ें अलग है, डिक्लेरेशन थोड़े से अलग है, तो काम सेम ही करेगा। आपको वैसे करना हो वैसे करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही अपना एरे के लिए एन डिक्लेयर कर लिया, इंट एर एन इक्वल्स 10 20 और 30, है ना। अब इसके बाद मैं लिख लूँगा, इधर मैं इंट आई और स्टार PTR डिक्लेयर करूँगा, सिर्फ स्टार PTR डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके बाद जो ब्रैकेट एन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार ब्रैकेट एन लगाया था वो पर्पसली लगाया था, इस बार हम दूसरी अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं लिखूँगा PTR इक्वल्स एरे एर। तब आप लोग सोच रहे होगी कि मैंने यहाँ पे कोई एंड का साइन क्यों नहीं लगाया, जबकि PTR में तो अपन इसका एड्रेस असाइन करते हैं ना, तो एड्रेस के लिए पहले एंड लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अगर आप सी आउट एंड एर करोगे, है ना, ऐसे ही सी आउट एंड एर 0 करोगे तो आंसर देखना बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे मैं
एंड एल लगा देता हूँ। अब इसको रन किया। हाँ तो देखो दोनों का आंसर सेम आया, तो अब आप समझ गए होगे कि नॉर्मली मैंने दोनों में एंड लगा दिया। अब इसको फिर से रन करके बता रहा हूँ मैं, तो अब आप सोच रहे होगे इसमें क्या होगा। इसमें कुछ नहीं हुआ, अगर मैं एंड लगा देता तब भी यही आंसर आता, और अगर मैं एंड नहीं लगाता तब भी ये सेम ही आंसर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने एंड नहीं लगाया। आप चाहो तो एंड लगा सकते हो, और इसकी जगह मैं एरे वन लिखूँगा और यहाँ पे एर प्लस वन लिखूँगा। तो देखना अब भी यही आएगा, ये देखो मतलब वैल्यू सेम आ रही है, ये एड्रेस बदल गए बट दोनों एड्रेस सेम आ रहे हैं। तो कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे लिखा है, और अब मैं क्या करूँगा फॉर लूप में ये ऐसा प्लस वन प्लस टू करता जाऊँगा और वैसे ही वैल्यूज़ बदलूँगा, है ना। तो अब इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं, ये सब आपके समझने के लिए रहेगा। अब क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स लगा लूँगा और यहाँ लिखूँगा सी आउट एड्रेस, ठीक है, किसका एड्रेस, यहाँ पे लगा देते हैं एरे और आई, और फिर से ये सब डेकोरेशन के लिए कुछ फालतू चीज़ें ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग वगैरह ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लियर दिखे, विजन क्लियर हो इसके लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इक्वल टू साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट करूँगा, तो यहाँ मैं PTR लिख दूँगा और एंड एल, ऐसे इसको कॉपी करो और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, कुछ इसको क्लोज कर दिया। हाँ अब बड़ा दिख रहा है, और यहाँ मैं क्या करूँगा वैल्यू लिख दे रहा, वैल्यू, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं स्टार। तो थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे इससे एड्रेस आ जाएगा और इससे वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, PTR तो PTR ही हो रहा है, तो अब अपन नीचे इंक्रीमेंट करेंगे उसको। यहाँ पे मैं एक और एंडल लगा देता हूँ, एंडल और फिर PTR प्लस प्लस, है ना। तो जैसे ये एक बार लूप चलेगा, एक बार PTR की वैल्यू डल जाएगी। देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे एरे सिर्फ लिखा है तो इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ अपन ने प्लस वन लिखा है तो वन वाले इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, बट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब ये ज़ीरो वाले इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, तो स्टार्ट ज़ीरो से होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एरे इसका मतलब यही है कि एरे के ज़ीरो वाले इंडेक्स का एड्रेस। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो एरे ज़ीरो था, ठीक है ना, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, पॉइंटर जो ज़ीरो पे सेट था, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, जो एरे पे जो वैल्यू रहेगी ज़ीरो इंडेक्स पे वो आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंटर अपडेट हो जाएगा। तो पॉइंटर जैसी अपडेट होगा आई की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे फिर दूसरा आ जाएगा जो दूसरा इंडेक्स है, मतलब जो ज़ीरो के बाद जो वन रहेगा, है ना, उसका एड्रेस इधर आ जाएगा, और जो ज़ीरो के बाद वन रहेगा उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, ऐसे ही पॉइंटर अपडेट होगा, ठीक है। तो हाँ फिर तीसरे इंडेक्स के लिए चलेगा, तो तीसरे इंडेक्स में क्या होगा, मतलब जो टू था, ज़ीरो वन टू जो टू था, उसकी जो भी एड्रेस रहेगा वो इधर आ जाएगा और जो भी वैल्यू रहेगी वो इधर आ जाएगा। तो अब इसको रन कर लो। हाँ तो देखो कुछ नहीं हुआ, मैंने जो बोला था एड्रेस आ गया और उसके नीचे वैल्यू आ गई, और पॉइंटर फिर से अपडेट हुआ तो एड्रेस अपडेट हुआ, वैल्यू अपडेट हुई, और फिर से एड्रेस अपडेट हुआ, वैल्यू अपडेट हुई। तो ये अच्छा मेथड है, आप इंक्रीमेंटिंग भी यूज़ कर सकते हो, है ना, ऐसे ही डिक्रीमेंटिंग भी है, कुछ ज़्यादा उसमें खास भी है नहीं, तो ऐसे ही डिक्रीमेंट वाला है। तो डिक्रीमेंट में क्या करते हैं अपन, जैसे इंक्रीमेंट में अपन ने प्लस प्लस किया है और ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है तो ज़ीरो से स्टार्ट किया है,
तो डिक्रीमेंट में अपन एन माइनस वन से चालू करेंगे और यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे और ये जो लूप है इसको उल्टा चला देंगे। तो इसी को कॉपी कर लो पूरा और डिक्रीमेंट वाले में पेस्ट कर दिया। और अब इधर कुछ चेंजेस हैं, ये जो एरे है ठीक है, इसको अपन यहाँ से ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं और एंड लगा देते हैं, है ना। तो ये भी कोई नॉर्मली है ठीक है ना, आप अगर इसकी जगह आप ऐसे लिखते एरे प्लस एन माइनस वन तब भी काम बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ऐसे करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ एक एंड एर एन माइनस वन, दोनों का काम सेम ही रहेगा, आप ऐसे लिखो या ऐसे लाओ, ऐसे लिखो वो पकड़ लेता है बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। और अब इधर अपन को कुछ चेंज करने थे, ये जो लूप है इसको चालू करो एन माइनस वन से और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो करना था और यहाँ पे माइनस माइनस कर दो। तो ये लूप अपन ने बेसिकली उल्टा बस कर दिया है। और क्या चेंजेस थे, यहाँ माइनस माइनस कर दो तो कुछ नहीं होगा, पहले जो लास्ट वाला जो भी इंडेक्स रहेगा जैसे अपना 30 था पहले वो प्रिंट होगा, उसके बाद 20 फिर 10। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा रन करने पर एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे मैंने साइन गलत लगा दिया तो यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ेगा और अब मैं फिर से रन करूँगा। तो ये देखो पहले 30 वाली वैल्यूज़ आई, फिर 20 वाली, फिर 10 वाली ठीक है। तो ऐसे डिक्रीमेंट काम करता है। तो अपन ने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल एरे वाला भी आप करते हैं, एरे वाली ये चीज़ लगा देते तब भी सेम चीज़ होती, इंक्रीमेंट लगाया तब भी सेम चीज़ हुई, डिक्रीमेंट लगाया तब भी सेम चीज़ हुई, बस मेथड अलग अलग है। डिक्रीमेंट में उल्टा प्रिंट हुआ और इंक्रीमेंट और एरे में सीधे सीधे प्रिंट हो गया। इसके बाद यार अपना पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बचा, मतलब पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, वो क्या होता है। तो उसके लिए अपन को डबल स्टार यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इंट वेयर इक्वल्स 10 लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट स्टार ptr, है ना। तो पहले अपन एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ptr इक्वल्स एंड वेयर, है ना। और सी आउट अगर मैं ptr करूं या फिर एंड ptr करूं तो क्या क्या मिलेगा, इधर देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एंड वेयर मिल रहा है और ये बेसिकली एंड ptr मिल रहा है ना, क्योंकि ये ptr की वैल्यू एंड वेयर है और ये एंड ptr तो ऑलरेडी है ही। तो इधर क्या हुआ है कमेंट करके दिखा देता हूँ, ptr equals and where which equals जो भी अपना है ff0c कर लो ठीक है, और ऐसे ही and ptr equals address of ff0c which equals ff08 ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये ff0c एड्रेस है वेयर का, बट ff0c अब वैल्यू बन चुका है ptr का क्योंकि अपन ने इक्वल टू असाइन कर दिया है ठीक है। तो अब ff0c वैल्यू बन चुका है तो वो भी किसी ना किसी एड्रेस में स्टोर होगा ही, तो वो इस एड्रेस पे स्टोर है ff08 ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अभी बदल जाएगी, अभी फिर से मैं चेंज करूँगा तो बदल जाएगी। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ ppr, अच्छा मुझे ppr पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ppr बेसिकली ये है डबल पॉइंटर ठीक है, क्योंकि इसमें दो पॉइंटर लगे हैं, पॉइंटर के ऊपर पॉइंटर। तो इसमें क्या किया है, ppr इक्वल्स एंड वेयर एंड ptr कर दिया, मतलब एंड ptr क्या है, ptr का एड्रेस मतलब ff08, तो ff08 स्टोर हो जाएगा ppr में ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, सी आउट एंड स्टार ppr है और यहाँ भी एंडल
और ऐसे ही सी आउट स्टार स्टार पी पी टी आर एंड एल। तो बेसिकली इन सब में क्या हो रहा है कि स्टार पी पी टी आर क्या होगा, स्टार पी पी टी आर होगा पी टी आर की वैल्यू, ठीक है, पी टी आर का एड्रेस नहीं, पी टी आर की वैल्यू। और स्टार स्टार पी पी टी आर क्या होगा, वेयर की वैल्यू, ठीक है, वेयर में जो वैल्यू है वो। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे मैं डबल पी है, ओके, और बाकी सब तो सही है। अब एक बार रन करते हैं। हाँ तो ये देखो 0x, मैंने बोला था एड्रेस चेंज हो जाएंगे, तो ये एड्रेस चेंज हुए। तो ये जो पहला वाला आया है ये बेसिकली क्या है, ये पी टी आर की वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये 08 हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो 04 वाला है ये एंड पी टी आर की वैल्यू है, मतलब ये यहाँ 04 हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार चलाओगे वैसे चेंज होती जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ क्या हुआ है, ये है बेसिकली वैल्यू ऑफ पी टी आर, दैट इज एंड वेयर, मतलब जो वेयर है उसका एड्रेस, वही जो उसका एड्रेस है वही तो वैल्यू है पी टी आर की, और वही हो जाएगा स्टार पी पी टी आर। तो ये कितना है, एफ एफ 08 है ना, हाँ। और ऐसे ही वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेयर, दैट इज स्टार पी टी आर विच इक्वल्स 10, है ना। तो अब आप समझ गए होगी कैसा खेल है ये पूरा, और इसको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, मैं कमेंट पे ही बता देता हूँ। तो पी टी आर क्या हो जाएगा, एंड वेयर के बराबर, है ना, दैट इज एड्रेस ऑफ वेयर। ऐसे ही पी पी टी आर होगा एंड बी टी आर के बराबर, मतलब एड्रेस ऑफ पी टी आर। ऐसे ही स्टार पी टी आर ये हो जाएगा बराबर वैल्यू ऑफ वेयर के, है ना। ऐसे ही स्टार पी पी टी आर हो जाएगा किसके बराबर, वैल्यू ऑफ पी टी आर के, ठीक है। ऐसे ही स्टार स्टार पी पी टी आर हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेयर के, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक एक चीज़ यहाँ क्लियर करके लिख दी है। तो यार ये जितना भी कोड है वो सब मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, पूरे अच्छे से कमेंट किया है तो आप समझ जाओगे। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो फिर से एक बार देख लेना, उतना पार्ट आप फिर से देख लेना। आई होप वैसे समझ तो आ गया होगा, बट फिर भी यार ये पार्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर है, तो वीडियो थोड़ा सा फिर से देख लेना और कमेंट भी कर सकते हो आप नीचे जाके, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग तो कमेंट कर सकते हो। तो अब रैप अप करते हैं, मिलते हैं।